लास्ट डे मैंने आपको जस्ट टॉर का बेसिक डेफिनेशन समझाया था, टॉर कैलकुलेट कैसे करते हैं वो एक समझाया था। एक बार जस्ट मैं आपको वो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ से। जब भी फोर्स कहीं से लग कहीं पे भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दिया हुआ है और उसका टॉर्क पूछते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि टॉर्क अबाउट विच पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। याद है आपको ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रही है? याद यस सर। है ना? तो सबसे पहला चीज, टॉर्क कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है। जैसे मोशन एक रिलेटिव टर्म है, वैसे ही आपका जो टॉर्क है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिक है। आप कहाँ से टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो टॉर्क कहीं भी अगर पूछता है कि टॉर्क निकालना है आपको किसी फोर्स का, तो फिर आपका हमेशा सोचना चाहिए कि टॉर्क किसके अबाउट निकालना है। जब आपको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो स्पेसिफाई नहीं करते कि कहाँ से टॉर्क निकालना है, तो एक अंडरस्टूड से चीज होती है कि आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं बताए कि किसके अबाउट निकालनी है, एक रिजिड ऑब्जेक्ट की ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आप उस रिजिड ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे बैठना और उसके बाद फिर टॉर्क कैलकुलेट कर लेना। अब टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए आपको कंसेप्ट बताया था कि दो तरीके होते हैं, या तो आप फोर्स के दो कॉम्पोनेंट ब्रेक करो, एक पैरेलल टू दी पोजीशन वेक्टर ऑफ दी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑब्जर्वेशन एंड एक परपेंडिकुलर टू दी पोजीशन वेक्टर। तो जो पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर आता था वो वाला फोर्स जो है वो फोर्स आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को ट्रांसलेट ही कर सकता था, टर्न नहीं कर सकता था उसके ओरिएंटेशन को, मतलब रोटेशनल कैपेबिलिटी नहीं आता था। तो जो भी रोटेशनल कैपेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से है। तो पोजीशन वेक्टर जो दिख रही थी मुझे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे परपेंडिकुलर फोर्स का कॉम्पोनेंट लो एंड दैट फोर्स परपेंडिकुलर से आर को मल्टीप्लाई करो। या फिर दूसरा एक और तरीका ये था कि आप पोजीशन वेक्टर के ही कंपोनेंट ब्रेक करें, एक पैरेलल टू पॉइंट यू नो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दूसरा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स है पोजीशन वेक्टर, उसके साथ आप डायरेक्टली फोर्स को मल्टीप्लाई करो, इससे आपको टॉर्क मिल जाएगा। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको बताया था कि आर क्रॉस एफ करने से बेटर होता है कि आप बस ये सोचो कि फोर्स अगर लग रही है तो फोर्स लगने से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किधर शिफ्ट करेगा। ये मैंने आपको इस डायग्राम में समझाया भी था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को अगर शिफ्ट कर दिया, तो फिर उस केस में जो पोजिशन वैक्टर है वो किधर टर्न कर रहा है वो देखो। जिधर आपका पोजिशन वैक्टर टर्न कर रहा है उस डायरेक्शन में आपका टॉर्क आ जाएगा। तो जैसे इस डायग्राम में वो दिख रहा है कि पोजिशन वैक्टर लेफ्ट की तरफ टर्न कर गया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर गया है। तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने से आप बोलेंगे कि टॉर्क जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है। और ये टॉर्क जो है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की तरह ही है, आप इसके कंपोनेंट्स भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें ही इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह मार्क करूं, जैसे ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अगर कोई पूछे कि टॉर्क किस डायरेक्शन में है, तो टॉर्क का डायरेक्शन जब आप स्पेसिफाई करोगे तो टाउ कैप अगर लिखे तो इसको क्या मैं के कैप लिख सकता हूँ? देखो तो क्या मैं के कैप लिख सकते हैं इसको? यस सर। है ना, टॉर्क के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा डायरेक्शन है? वो तो के कैप ही है ना, क्योंकि जब आप एंटी क्लॉकवाइज अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब आपका किस तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। तो अगर कोई बोले ये टॉर्क का कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन में कितना आएगा, तो कितना आएगा टॉर्क का कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन में? जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस की तरफ ये टॉर्क आ रहा है और जेड एक्सिस की तरफ टॉर्क, देखो हमेशा ध्यान रखना है बोलने का दो तरीका होता है टॉर्क का। एक हो रहा है जैसे मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की तरफ बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, बट दूसरा मैं एक और चीज बोल रहा हूँ ये के कैप की तरफ है। तो के कैप की तरफ मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को स्पेसिफाई कर रहा है। मतलब जब आप एक डायरेक्शन बोल देते हैं यू नो कि वेक्टर फॉर्म में बोल देते हैं, के कैप आई कैप जे कैप इसके फॉर्म में बोलते हैं, तो ये बेसिकली उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंडिकेट करता है। जैसे अगर एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है या एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है पार्टिकल, तो उस केस में उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑब्वियसली किस तरफ होगा? जेड एक्सिस की तरफ होगा ही नहीं होगा? होगा ना? होगा ना? यस सर। तो ये चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं करना कि सर आप कभी एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हो कभी जे कैप के कैप बोल रहे हो, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज और के कैप ये दोनों सेम चीज ही है। क्योंकि के कैप इज इंडिकेटिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आप अपने थंब को रखोगे, थंब को एक्सिस ऑफ रोटेशन रखोगे, तो आपका राइट हैंड का फिंगर्स जो है वो जिस डायरेक्शन में कर्ल करेगा वही डायरेक्शन तो आपका घूमने का रोटेशन सेंस होगा ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है सर। ठीक है, तो देखो टॉर्क जो हम निकालते हैं वो किसके अबाउट निकालते हैं, पॉइंट के अबाउट या एक एक्सिस के अबाउट? पॉइंट के अबाउट। एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमेशा एक पॉइंट के अबाउट निकलता है, बट उसका जब आप कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो वो बोलते हैं हम टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क अबाउट द एक्सिस हो गया है। समझ आ रही है? जैसे टॉर्क आपने एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाला और उसके बाद फिर टॉर्क निकालने के बाद क्या किया आपने, उसका कंपोनेंट किसी एक एक्सिस के अलोंग ले लिया, तो उसको बोलते हैं टॉर्क अबाउट द एक्सिस ले रहे हैं हम। आर यू गेटिंग इट? जैसे जैसे इसमें टॉर्क किस तरफ आ रहा था? जेड एक्सिस की तरफ आ रहा था। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ टॉर्क का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है, तो वो टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस आ जाएगा, तो वो कितना होगा? जीरो आ जाएगा इस केस में। समझ आ रही है? यस। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को क्यों मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे, मतलब टॉर्क अबाउट एक्सिस, वो अभी आपको इस आगे का एक एग्जांपल से समझना आएगा। आप पहले ये बताओ मुझे टॉर्क आपको जीरो कब मिलेगा? टॉर्क आपको जीरो कब मिल रहा था ये याद है आपको?
जब आपका फोर्स जो है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू पास कर रही थी, याद है? हाँ सर, ठीक है। या फिर अगर सोचो कि अगर मैं ऐसा एक सिचुएशन दिखाऊं, इमेजिन करो कि एक डोर का एग्जांपल सोचो, जैसे सोचो कि यहाँ पे एक डोर हमने ले रखा है, डोर का एक्सिस मार्क कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इमेजिन करो हमारा डोर जो है वो यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, देखो ये डोर है, ठीक है, डोर ऑब्वियसली एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही घूम सकता है ना, ऐसे ही घूम सकता है, राइट? यस सर, ठीक है, इसी के अबाउट घूम सकता है, मतलब या तो ऊपर से देखोगे तो या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दोनों में से किस तरफ भी घूम सकता है। बट एक चीज सोच के देखो, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं सोचूं कि आपसे पूछूं कि टॉर्क कितना है वेट का, आपको ये बताना है, तो वो देखो तो कैसे दिखोगे आप? अगर मैं ये सेंटर ऑफ मास मार्क कर रहा हूं, तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास से ही इसका वेट ऐड करेगा, एंड दैट विल बी एमजी, लिखोगे आप? यस सर, यस सर। अब ये सोच के देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं, यू नो कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें किसी भी एक एक्सिस में, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, तो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लिया आपने, ठीक है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप इसको कनेक्ट किया, ये तो क्लियरली आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर नहीं है, इससे दिख रहा है आपको? इज दिस परपेंडिकुलर? नो सर, नहीं है ना, नो सर, कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एम जी का लाइन ऑफ एक्शन एप्लीकेशन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, और यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर खींच दिया इसके ऊपर, और इसको मार्क कर लिया आर परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो तो एम जी का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट निकल रहा है कि नहीं, ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए है, ठीक है, तो टॉर्क अबाउट ए अगर लिखेंगे तो ये कितना आएगा, एम जी इंटू आर परपेंडिकुलर, लिखोगे? यस सर। बट इसका टॉर्क का डायरेक्शन किस तरफ है, आप ये बताओ मुझे, इस टॉर्क का डायरेक्शन किस तरफ है? बताओ। क्लॉकवाइज सर। नहीं देखो, अब जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हो ना, तो आपको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे किधर से आप देख रहे हो, किधर से देख रहे हो, डोर को सामने से देख रहे हो, राइट, है ना, ऊपर से नहीं देख रहे हो आप? हाँ सर, हमारे तरफ से अंदर की तरफ। हाँ, तुम अगर सामने से देख रहे हो तो बोलोगे अंदर की तरफ, ये भी बोल सकते हो, क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो, सामने से बोलने पे आप बोल सकते हो क्लॉकवाइज, या अंदर की तरफ भी बोल सकते हो। तो इस केस में जो ऑब्वियस डायरेक्शन जो आपको दिख रहा है टॉर्क का, वो ये दिख रहा है कि वो इस तरफ टर्न कराने की कोशिश कर रहा है, राइट, है ना, ये दिख रहा है ना आपको? यस सर, राइट। तो इसी चीज को आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, दिस, या फिर आप बोल सकते हो इस एक्सिस, मतलब ये डोर का प्लेन के परपेंडिकुलर, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि अपने फिंगर्स को घुमाओ, देखो तो आपका थंब, देखो वो एरो मार्क की तरफ, ब्लू वाला एरो मार्क की तरफ पॉइंट करेगा, देखो दिख रही है आपको? सो ये टॉर्क का जो डायरेक्शन आ रहा है, ये तो डोर के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया नहीं हो गया? हाँ सर, राइट। अब आप ये खुद ही सोच के देखो, जस्ट खुद सोचो कि क्या इस टॉर्क का, ये जो टॉर्क हमने टॉर्क अबाउट ए निकाल रखा है, क्या इस टॉर्क का कोई कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है? नहीं है सर। ये समझ आ रही है सबको? क्योंकि ये टॉर्क तो डोर के प्लेन से परपेंडिकुलर है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन तो डोर के प्लेन में ही है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो क्या ये डोर को घुमा पाएगा? घुमा पाएगा क्या? आप सोचो खुद ही लॉजिकली सोच के देखो, हमारा जो डोर है, क्या ये वेट की वजह से, मतलब जो एम जी जो वेट है उसकी वजह से क्या नीचे गिर जाता है? नो सर, नहीं गिरता है ना। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि नीचे में बेसिकली जो हिंजेस होते हैं, वो हिंज उसको रिएक्शन फोर्स देके उस टॉर्क को बैलेंस करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे लिए जो है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने फिक्स कर दिया है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर एम जी का टॉर्क पूछा जाए, देखो इस पॉइंट ए के अबाउट तो टॉर्क नॉन जीरो है, जो आपको दिख रहा है एम जी टू आर परपेंडिकुलर, बट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग क्या एम जी का टॉर्क है? नो सर, नहीं है ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। So this direction, ये जो टॉर्क का डायरेक्शन है, this torque has no component
component along the axis of rotation. ठीक है, तो इससे देखो आपने एक और चीज सीख लिया है. एक और चीज क्या सीखा आपने कि एक फोर्स का मतलब अगर हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो टॉर्क टॉर्क दो केसेस में आपको जीरो ध्यान रखना है. एक है कि अगर आप टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस पॉइंट के थ्रू अगर आपका फोर्स पास कर रहा है तो टॉर्क जीरो मिलेगा, ये तो श्योर है. और दूसरा आपने आज ये सीखा कि अगर टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाए, किसी एक्सिस के अबाउट, तो फिर आपको क्या करना है, उस फोर्स का टॉर्क जीरो ले लेना है जो फोर्स आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल दिखता है. आप नोटिस करो mg और एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल है या नहीं है. हाँ सर, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ. आपको समझ आई है? Yes, sir. ठीक है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप फिक्स नहीं रखते, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं रखते तो पक्का है ये डोर जो है नीचे वाले एंड के अबाउट क्या ऐसे घूम जाता है, नहीं घूम जाता. अगर इमेजिन करो कि आप एक्सिस नीचे में यहाँ पे हिंज करते, देखो ब्लू डॉट मार्क कर रहा हूँ मैं, अगर इमेजिन करो ब्लू डॉट पे आप एक्सिस लगा देते तो क्या ये डोर घूम जाता है, नहीं घूम जाता. Yes, sir. हाँ, sir. Yeah. आप जैसे इमेजिन करो अपने मोबाइल फोन को ही एक एंड पे पकड़ो और उसके बाद फिर इसको छोड़ दो. मैं आपको एक मिनट करके दिखाता हूँ, ये विजुअलाइज करोगे तो जस्ट एक मिनट. ये देखो आप, जैसे ये मोबाइल फोन देखो आप, ये मोबाइल फोन है. अब इस मोबाइल फोन को अगर मैं यहाँ पे देखो, ये एक्सिस फिक्स्ड है, ठीक है, ये एक्सिस फिक्स्ड है. तो अब मैं एक्सिस फिक्स होने का मतलब ये नीचे गिर नहीं सकता, नीचे नहीं गिर सकता. तो अब चाहे जितनी भी फोर्स आप नीचे खींचो उसको, देखो मैं इसको पुश कर रहा हूँ, आप इसको देखो मैं पुश कर रहा हूँ या नीचे पुश कर रहा हूँ मैं, बट फिर भी ये घूम नहीं पा रहा. क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये इस एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड है, इसको इधर टर्न कर नहीं सकते आप, इधर टर्न नहीं कर सकते. वेट का जो टॉर्क है देखो, ये वेट यहाँ से सेंटर ऑफ मास से लग रहा है, तो अगर ये इसको यहाँ पे अगर ये इसको फिक्स नहीं करके अगर मैं यहाँ से हिंज लगा दूँ तो देखो वेट की वजह से देखो ये घूम जाएगा. देखो दिखा आपको. हाँ सर, हाँ सर. ठीक है, मुझे मेरा फोन तोड़ना पड़ेगा इसके लिए, बट अब दोबारा करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना. ठीक है, ये चेक करो, मैं इस एंड पे इसको होल्ड करके रखूंगा और देखो मैं इसको जस्ट छोड़ दूंगा. ठीक है, अब देखना यहाँ से छोड़ने के बाद देखो ये घूम रहा है, देखो दिख रहा है आपको. यस सर, राइट. और वो क्यों घूम रहा है, क्योंकि वेट जो है देखो यहाँ से लग रही है, यहाँ से लग रही है. और अगर आप नोटिस करोगे तो ये इसका एक्सिस है, इस बार ये वाला इसका एक्सिस है. तो वेट का टॉर्क क्या इस एक्सिस से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है? देखो तो इस बार तो इसको घुमाएगा ना ये, आइए करेंगे. समझ आ रही है? बट जब आप ऐसे, जब आप इसका एक्सिस ऐसे रख रहे थे, जब आप इसका एक्सिस ऐसे रख रहे थे तो फिर उस केस में टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड आ रहा था. तो टॉर्क इनवर्ड आने का मतलब इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे कैसे घूमेगा, एक्सिस तो फिक्स कर दिया ना आपने. आपको समझ आई बात? हाँ सर. ठीक है, हाँ सर. ठीक है बेटा, ऊपर से हॉरिजॉन्टली अगर एक्सिस होता क्या सर, आपके फोन के ऊपर हॉरिजॉन्टली अगर एक्सिस होता? हॉरिजॉन्टली मतलब कहां से पास करता हुआ, एक एंड से? नहीं सर, ऊपर के सरफेस से. ओहो, ऊपर का सरफेस से कैसा? रुको मैं फिर से दिखा, दौड़ के ब्रेथ के अलॉन्ग साइड. हाँ सर, आपने लेंथ के अलोंग किया था, मैं विथ के अलोंग बोल रहा था. ऐसे बोल रहे हो, ऐसे? हाँ सर. तो फिर उससे तो कोई टॉर्क नहीं आएगा, कहाँ टॉर्क आएगा? फिर से आप सोचोगे, और आपने आप जी का टॉर्क निकाल रहे हो, वो तो ये फिंगर आ रहा है, मेरा इंडेक्स फिंगर आ रहा है ना, राइट हैंड पर दिख रहा है आपको. हाँ सर. बट इसका कोई कॉम्पोनेंट क्या इधर आएगा, इसका क्या कॉम्पोनेंट को इधर आएगा? नहीं सर, नहीं सर. 90 डिग्री फिर से तो बन रहा है. ठीक है, ठीक है. हाँ सर. सो आपने ये सीख लिया है कि टॉर्क ऑफ अ फोर्स कब जीरो होगा. इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाया मैंने, उसको बता देते हैं. सो टॉर्क of a force is zero under two circumstances. Pehla, force passes through point of
ऑब्जर्वेशन, दूसरा फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सम फिक्स्ड, सॉरी पैरेलल टू परपेंडिकुलर, फोर्स इज पैरेलल टू सम फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक और चीज जो आपको समझाई, टॉर्क हमेशा एक पॉइंट के अबाउट निकलती है, टॉर्क इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, बट व्हेन it is calculated from a point on some fixed axis, then the component of the torque about the fixed axis is said to be the torque of the force about the axis, ठीक है। टॉर्क अबाउट एक्सिस एंड टॉर्क अबाउट पॉइंट, इनके बीच में डिफरेंस समझ आ गया ना आपको? हाँ सर। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि टॉर्क किसके अबाउट कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट के अबाउट या एक्सिस के अबाउट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। फिर कोई पूछे आपसे कि टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस का क्या मतलब हुआ, तो क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्सिस। नहीं, बट पहले इससे इंपॉर्टेंट क्या है, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस एक्सिस में कोई एक पॉइंट चूज करना है, उस पॉइंट के अबाउट पहले टॉर्क कैलकुलेट करना है, उसके बाद उस टॉर्क का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस लेना है ना। जैसे मैंने इस क्वेश्चन इसमें किया था, वही किया था ना, देखो मैंने पहले एक आर्बिट्री पॉइंट ए चूज किया था, नहीं किया था? हाँ सर, हाँ सर, एक्सिस के ऊपर, राइट। पहले एक आर्बिट्री पॉइंट ए चूज करना है आपको एक्सिस पे, और उसके बाद फिर उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, उसके बाद उस टॉर्क का कॉम्पोनेंट अलोंग द एक्सिस लेना है, ठीक है? Yes, sir. इसका हेडिंग डाल भी देते हैं, ये टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, इसमें ये आपको समझाया मैंने इस एग्जांपल के थ्रू, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, ओके। एक और चीज है, कपल ऑफ फोर्सेस, कपल ऑफ फोर्सेस, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इनके दो फोर्सेस होने चाहिए। कपल कब कहते हैं उनको, जब दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, मतलब दो फोर्सेस अगर लगते हैं और दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए, तभी उनको कपल कहते हैं, मतलब उनकी वजह से टॉर्क जनरेट होना चाहिए। इसको लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है? सो टू फोर्सेस of equal magnitude and opposite in direction, two forces of equal magnitude and opposite in direction acting along different line of action are said to be couple of forces and the torque due to them is moment of couple. देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब क्या निकल रहा है। जैसे इमेजिन करो कि आपके पास कोई भी एक आर्बिट्री शेप का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमने क्या कर रखा है, इसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा रखे, इमेजिन करो, ये देखो, तो एक फोर्स आपका यहाँ पे लग रहा है, ये फोर्स एफ मान लेते हैं, और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, ये एफ मान रहा है, ठीक है। दोनों को मान लेते हैं फिलहाल के लिए, F1 F2 लिख लेते हैं, F1 का मैग्नीट्यूड भी F है और F2 का मैग्नीट्यूड भी F है, दो अलग अलग फोर्सेज है, उसको मैंने दिखा रखा है।
अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों ही पैरेलल है, दिख रहा है, मतलब एंटी पैरेलल है, ये दिख रहा है आपको? यस सर। हां सर। यस सर। ओके, सपोजिटली अगर इमेजिन करो कि नो कि इन दोनों के बीच का जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच का सेपरेशन आपको किसने दे रखा है, ठीक है? मतलब इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये F1 का लाइन ऑफ एप्लीकेशन ब्लैक डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है और F2 का लाइन ऑफ एप्लीकेशन भी अभी ये ब्लैक डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है? और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है, ये सेपरेशन इसको L कह लेते हैं, ठीक है? दिस इज L, ये गिवन डेटा होगा, तो ऑब्वियसली गिवन डेटा होगा। तो अब हमें इसकी वजह से टॉर्क कैलकुलेट करना है। देखो इसकी वजह से नेट फोर्स तो जीरो आएगा, ये तो दिख ही रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, यस सर, है ना? तो नेट फोर्स जीरो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब नेट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? नेट टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए आप कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लो, ठीक है? कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट, जस्ट कोई भी आर्बिट्री पॉइंट चूज करो, कहीं पे भी मन करे, जहां पे भी मन करे। जैसे मैंने यहां पे एक आर्बिट्री पॉइंट चूज कर लिया, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, जिसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, डायग्राम क्लीन बनेगा। यहां पे पॉइंट ले लिया, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं। तो पॉइंट ए से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफ1 जो है उसको कनेक्ट किया और इसको हमने R1 कह लिया, ठीक है? R1 पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F1। वैसे ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F2 को भी लिए भी मैंने इसको कनेक्ट किया यहाँ पे, ये है पोजीशन वेक्टर R2। अब देखो ना तो R1 ना तो R2 कोई भी F1 और F2 से परपेंडिकुलर नहीं है, आपको दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? यस सर। तो स्टेप क्या था आपको याद है? आपको कॉम्पोनेंट ब्रेक करना है परपेंडिकुलर टू द फोर्स पोजीशन वेक्टर के, याद है? देखो इधर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ से देखो एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप किया और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप किया, और ये देखो ये हो गया R1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लिख सकते हैं इसको, है ना? यस सर। यस सर। और सिमिलर तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये R2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख सकते हैं, राइट? है ना? यस सर। हां सर। अब दोनों का डायरेक्शन बताओ मुझे किस तरफ है, पॉइंट ऑफ पॉइंट ए के अबाउट दोनों का टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के टर्म्स में बताओ। बस देखो कि जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से पोजीशन वेक्टर किधर टर्न कर रहा है, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। आर प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, बस ये देखो कि पॉइंट क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये सबको दिख रहा है? यस यस। ये हो गई टॉर्क टाउ वन और ये हो गई टॉर्क टाउ टू, और दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं उसको, है ना? यस सर। है ना, जस्ट सिंपली टाउ वन प्लस टाउ टू हो जाएगा। टॉर्क नेट अगर लिखोगे, टॉर्क अबाउट ए लिखोगे, कि टाउ के सब्स्टिट्यूट में ए लिख रहा हूं, मतलब अबाउट ए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस विल बी इक्वल टू टाउ वन वेक्टर प्लस टाउ टू वेक्टर। And since both are in same direction, तो next step में आप simply vector का symbol हटा सकते हैं और ये simply tau1 plus tau2 हो जाएगा। I hope आपको समझ आ रहा है, ठीक है ना? Yes sir। ठीक है? और tau1 की value कितनी है देखो तो? F into R1 perpendicular है? Yes। Yes sir। और tau2 कितनी है? F into R2 perpendicular है? F को common out कर सकते हैं और F को common out किया हमने, तो यहाँ पे क्या जाएगा? R1 perpendicular and plus R2 perpendicular, आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। R1 perpendicular और R2 perpendicular का जो sum है, वो constant है या variable है? Constant है, L sir। वो तो simply L है। इसका मतलब torque about A जब हम calculate कर रहे हैं, तो simply क्या लिख रहे हैं आप? F into L लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं? लिख रहे हैं ना? लिख रहे हैं आप? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब एक couple of force की वजह से जब भी आप torque निकालते हैं, तो simply इतना याद रखते हैं कि force का जो magnitude है, उससे आपको उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। आपको समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? हां सर। हां सर। जो फोर्स का, जो दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन है, उस लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उनको बस आप फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, आपको टॉर्क मिल जाएगा। करेक्ट। और ये हर पॉइंट के अबाउट सेम ही आएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क नेट सेम आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि कपल की वजह से जब हम टॉर्क निकालेंगे किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो सेम आएगा। आपको दोनों स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस समझ आ रहा है? आर यू एबल टू कैच द डिफरेंस? मैं एक बार स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, आप फिर से सोचना कि मैंने क्या डिफरेंट बोला है। पहला स्टेटमेंट ये है, मैं ये कह रहा हूं कि टॉर्क ड्यू टू कपल ऑफ फोर्सेस, आप किसी भी पॉइंट से निकालो, हर पॉइंट के अबाउट सेम आएगा। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट मैं ये कह रहा हूं कि टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द
the point of is depend talk about any point is dependent upon the point of observation. एक में आप नेट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ F1 और F2 का टॉर्क नहीं कैलकुलेट कर रहे हम सारे फोर्सेस का कैलकुलेट करेंगे और दूसरे में मैं सिर्फ और सिर्फ कपल का ही बात कर रहा हूँ मतलब फर्स्ट केस में मैंने बोला सिर्फ कपल की वजह से टॉर्क कितना है और दूसरे केस में मैं बोल रहा हूँ सारे की वजह से कितना आएगा जैसे ऐसे सोच के देखो अगर मान लो कि कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F2 पे ही अगर लग जाता इमेजिन करो कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F2 पे ही कोई खड़ा हो गया ठीक है और वहां से टॉर्क कैलकुलेट कर रहा है तो F1 का टॉर्क आएगा ना F into L देखो तो हाँ सर एकदम वही हाँ सर हाँ सर सबको समझ आ रही है हाँ सर हाँ सर एक मिनट को मैं फिर से करके दिखाता हूँ क्योंकि बहुत लोग बोलते नहीं है प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सब कुछ बोलते नहीं हो इसलिए मुझे भी समझ नहीं आता कि आपको समझ आ रहा है नहीं I just don't want to rush through these topics क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है ये अंडरस्टैंड करने में बट आप थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो मेरे लिए भी आसान होगा अब इसको हटा दे रहे हैं ये सब ऑब्जर्वेशन नहीं है सब हट गया अब सोचो कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको यहाँ से खड़े होकर देखना है तो यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही तो है ना है ही नहीं है देखो पोजीशन वेक्टर तो ये वाला है पोजीशन वेक्टर इज दिस वन ये जो ब्लू लाइन सॉलिड बना रखा है दिस इज आर वेक्टर फॉर द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बट आर परपेंडिकुलर जो है वो तो ये वाला है ना दिख रहा है आपको yes, और आर परपेंडिकुलर एल है या नहीं है yes, तो इसको अगर सपोजली इसको कोई बी कह रहा है तो टॉर्क अबाउट बी भी निकालोगे तो ये एफ इंटू एल आया नहीं आया yes, sir. बट ये ड्यू टू कपल ओनली है दिस इज ड्यू टू कपल ओनली अब बोलोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि जिसमें हम बैठे हैं क्या वो एक्सेलरेटेड पॉइंट है या नहीं पहले ये सोचो आप इज दैट एन एक्सेलरेटेड पॉइंट और नॉट आप सोचो क्या ये ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूम रहा था या नहीं घूम रहा था हां सर यस सर तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसके पास एक एक्सेलरेशन था राइट हां सर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन है तो उस केस में पॉइंट ऑफ जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारा वो भी तो एक्सेलरेटेड हो गया ना पॉइंट बी यस सर और अगर पॉइंट बी एक्सेलरेटेड है तो उस एक्सेलरेशन की वजह से आपको सुडो फोर्स भी तो लेना पड़ेगा पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास यस सर और अगर सुडो फोर्स थ्रू सेंटर ऑफ मास लिया आपने तो क्या उसका अपना टॉर्क आएगा या नहीं आएगा हां और अगर आपने वो नहीं कंसीडर किया तो गड़बड़ होगा ना हां होगा समझ आ रही है एंड दैट इज व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन कि टॉर्क ड्यू टू कपल सिर्फ बात कर रहे हैं या नेट टॉर्क बात कर रहे हैं ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं तो अगर कोई बोले कि टॉर्क ड्यू टू कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हम सही कह रहे हैं बट अगर कोई बोले नेट टॉर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा समझ आइए ठीक है तो इसके थ्रू आप ये भी सीख रहे देखो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक और चीज भी समझाई है कि जब भी आपको किसी भी यू नो पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिखनी है कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखनी है तो टॉर्क जिस पॉइंट के अबाउट आप लिख रहे हो आपको एक चीज श्योर हो जाना चाहिए कि वो वाली पॉइंट एक्सेलरेटेड है या अनएक्सेलरेटेड है या नहीं है क्योंकि अगर वो अनएक्सेलरेटेड है तब तो वेल एंड गुड सही बात है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर वो एक्सेलरेटेड है तो उस केस में आपको एक सुडो फोर्स भी लेना पड़ेगा पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड वो सुडो फोर्स का अपना एक टॉर्क हो सकता है ना हाँ सर ठीक है और अगर वो टॉर्क जो आएगा उसको हम सुडो टॉर्क बोलेंगे क्योंकि सुडो फोर्स की वजह से जो टॉर्क आ रहा है उसको सुडो टॉर्क बोला जाएगा तो वो सुडो टॉर्क अगर छूट गया तो फिर आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा बेस्ट तरीका ये होता है पता है क्या कि जब आपको कंफ्यूजन हो ना कि हाँ कहाँ से टॉर्क ले समझ नहीं आ रहा है तो फिर बेस्ट तरीका ये होता है कि आप क्या करो आप सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाओ क्योंकि अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठे तो गलती होने का चांसेस कम हो जाता है कैसे चांसेस कम हो जाता है आप ये बताओ क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं एक्सेलरेटेड भी है तो सुडो फोर्स कहां से पास कराना है हमें सेंटर ऑफ मास से हाँ सर हाँ तो अभी हमने क्या सीखा था जब हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से फोर्स पास करे तो क्या उसका कोई टॉर्क आता है नहीं आता सर नहीं सर मतलब सुडो फोर्स का क्या कोई सुडो टॉर्क होगा नहीं सर नहीं होगा ये कब नहीं होगा जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए आई होप यू आर गेटिंग दिस हां सर समझ आ रही है
तो ये एक सेफ बेट होता है. सेफ बेट मतलब कि जहां पे कंफ्यूजन हो रही है उसमें आराम से आपको सेंटर ऑफ मास पे बैठ के कैलकुलेशन कर लेना चाहिए. बट ये हमेशा यू नो इजी कैलकुलेशन में नहीं देता है. कैलकुलेशन में इजी मतलब जरूरी नहीं है ये होगा, मतलब लेंथी हो सकता है बट गलत होने के चांसेस कम होंगे. बट बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पे आप ऑल्टरनेटिवली किसी डिफरेंट पॉइंट पे बैठ के टॉर्क निकालोगे तो वो आपके लिए रिलेटिवली आसान होता है. रिलेटिवली आसान होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि कोई एक सिचुएशन है जहां पे चार पांच वेरिएबल फोर्स इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, चार पांच वेरिएबल फोर्स है और उसमें से कोई एक दो फोर्स है जो कि एक ही पॉइंट से पास कर रहा है. तो अगर दो पॉइंट दो फोर्स अगर एक ही पॉइंट से पास कर रहे हो, दोनों का फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सपोजली अननोन है या नोन भी हो, तो उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे बैठ के अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो उन दोनों फोर्सेस का तो टॉर्क नहीं आएगा ना. हां सर. और अगर उन दोनों फोर्स का टॉर्क नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन आसान होगा ही नहीं हमारे लिए. ठीक है. सो ऑफन द कॉम्प्लिकेटेड वन मतलब कंसेप्चुअली डिफिकल्ट वन would be less complicated in calculation, but वो practice के साथ आप सीख जाओगे. क्योंकि जब initially तो आपका हाथ इतना नहीं चलेगा, but जब आप देखोगे examples देखोगे और खुद से करोगे तो ये सीख जाओगे कि कहाँ से point लेना चाहिए. ठीक है. बस ये concept को मैं ध्यान रखने के लिए आपका लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखना. ठीक है. Whenever we calculate torque acting on an object. Then we can choose any particular point of our own convenience, but we should keep in mind that the chosen point should be unaccelerated, since if it is accelerated, we need to consider the pseudo force passing through COM of object, which may create a pseudo torque of its own. If this pseudo torque is left out, it may give incorrect result. ठीक है, आपको समझ आ गया ना? Yes, sir. और आपको एक और चीज क्या बताई, जब भी कंफ्यूजन हो तो बेस्ट तरीका क्या है, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाना है ना. व्हेनेवर इन कंफ्यूजन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन for calculation of torque, fix it to be at C1, since even if COM is accelerated, the pseudo force passes through C1 and hence it cannot create a pseudo torque. समझ आ गई सभी को? हाँ सर. हाँ बोलो.
सर ऐसे ऑब्जेक्ट्स का तो एक्सीलरेशन हर एक पॉइंट में अलग अलग हो ही सकता है, बिल्कुल तो फिर सर ये स्यूडो फोर्स CON से पास कर रहा है ये बात रिलेट नहीं। स्यूडो फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ये हमेशा सेंटर ऑफ मास ही होगा। आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप कहीं पे भी बैठे हैं, आपको याद है स्यूडो फोर्स निकालने लगाने का तरीका क्या होता था? आप जिस पॉइंट पे बैठते हो उसकी एक्सेलरेशन से उस ऑब्जेक्ट के मास को मल्टीप्लाई करना है जिसको आप देख रहे हो, याद है? एंड डायरेक्शन ऑफ जो स्यूडो फोर्स होना चाहिए वो ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम होना चाहिए। तो आपका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता है उसका, कि कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, बट उस मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में रिवर्ट करना है और उसके बाद फिर मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करके सेंटर ऑफ मास से पास कराना है। ओके ठीक है, चलो आगे 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 बढ़ते हैं। एक छोटा सा एप्लीकेशन देखो, इमेजिन करो किसी ने आपको एक ऐसा सिचुएशन दिखा रखा है, जैसे यहाँ पे एक रॉड है, ये यूनिफॉर्म रॉड है मान के चलो आप, ये यूनिफॉर्म रॉड है, प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है, मतलब ये टॉप व्यू है बेसिकली, आप ये सोचो कि टॉप व्यू आपको दिख रहा है। इस पे किसी ने क्या कर रखा है, दो अनइक्वल फोर्सेस लगा रखे हैं, ऊपर वाले एंड पे मान लो छोटा फोर्स लगा रखा है इसको F1 दिखा रहे हैं एंड नीचे वाले एंड पे F2 फोर्स दिखा रहे हैं, ये F2 है, ठीक है, ये डायग्राम से आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये F2 ग्रेटर देन F1 है, दिख रही है ना आपको? दिख रही है? हाँ सर। ठीक है, और ये लेंथ ऑफ रॉड मान लेते हैं L है। मुझे ये पूछा है किसी ने, फाइंड the equivalent single force for the pair of forces shown, pair of forces shown, and also find its equivalent point of application. अब इस क्वेश्चन का लैंग्वेज को पहले आपको समझना पड़ेगा, इक्वल इसका मतलब क्या है। पहला चीज ये है कि इक्विवेलेंट सिंगल फोर्स का क्या मतलब है, और दूसरा चीज है इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का क्या मतलब है। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्सेस लगाते हो तो उस केस में क्या होगा, एक उसका ट्रांसलेशन होगा और दूसरा उसका रोटेशन होगा, यही तो है ना, मतलब ट्रांसलेट कर रहा है और ये रोटेट कर रहा है, दोनों चीज हो रही है। yes, अगर मैं इसमें सिर्फ एक फोर्स ऐसा लगाओ जिसकी वजह से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इफेक्ट ये दोनों ही सेम आए, तो उससे इसका एक इक्विवेलेंट सिचुएशन क्रिएट कर दिया हमने, ये कह सकते हैं। आपको समझ आई मैंने क्या बोला? अगर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन अगर इस ऑब्जेक्ट का आइडेंटिकल आ गया उस सिंगल फोर्स से, तो हम कह सकते हैं कि मैंने एक सिंगल इक्विवेलेंट फोर्स निकाल रखा है। आपको समझ आ रही है? yes, sir. ठीक है, सो इक्विवेलेंट होने का मतलब ये है, इक्विवेलेंट इंप्लाइज इक्विवेलेंट फोर्स, दिस इंप्लाइज शुड बी एबल टू प्रोड्यूस सेम ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन किससे किस पे डिपेंड करता है, नेट फोर्स पे या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे? भी ट्रांसलेशनल मोशन से बात कर रहे हैं, नेट फोर्स पे। और रोटेशनल मोशन किस पे डिपेंड करता है, नेट टॉर्क पे, है ना? यस। सो ये जो टर्म है सेम ट्रांसलेशनल मोशन होते बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है नेट फोर्स सेम होना चाहिए, एफ नेट अनचेंज होना चाहिए। एंड रोटेशनल मोशन सेम होने का मतलब है, ये रोटेशनल मोशन जो हम कह रहे हैं ये अगर सेम होना है, इसका मतलब नेट टॉर्क आपका सेम होना चाहिए, नेट टॉर्क ये भी अनचेंज रहनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ रही है बातें, ठीक है? यस सर। अब ये सोच के देखो, इस डायग्राम में देख के तो आपको पता चल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर ऑफ मास राइट की तरफ जाएगा,
जाएगा ना, क्योंकि आपको याद है सेंटर ऑफ मास को सिर्फ और सिर्फ नेट फोर्स से मतलब है, याद है आपको नेट फोर्स किस तरफ है इसका, राइट की तरफ। यस सर। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसका एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टॉर्क भी जनरेट हो रहा है, तो उसकी वजह से एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा, होगा नहीं होगा? यस सर। यस सर। इसका मतलब कि नेट टॉर्क और नेट फोर्स ये दोनों ही सेम होनी चाहिए। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए आप ये सोच के देखो, अगर मैं इक्विवेलेंट फोर्स निकालूं तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, F1 plus F2 आ रही है, नहीं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है ना? Yes, तो क्या यही F इक्विवेलेंट हो गया? नहीं, हमारे लिए इक्विवेलेंट फोर्स कितना चाहिए आपको? F1 plus F2 चाहिए, राइट? यस सर। अब ये सिंगल फोर्स से मुझे उतना ही टॉर्क चाहिए जितना उसने निकाल रखा है। तो अब देखो यहाँ से कैसे निकाले, हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक रॉड होना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मुझे टॉर्क चाहिए तो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा नीचे की तरफ मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा ना? यस सर। है ना, दिख रहा है आपको? ये तो पेन फाइट में भी आप समझते होंगे, समझते हैं ना? तो इससे देखो, एक एक्सेलरेशन आपको सेंटर ऑफ मास का राइट की तरफ मिलेगा एंड एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपको मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ आ रही है सभी को? यस सर। हां सर। अब ये कितने दूर पे लगाना ये मुझे नहीं पता, वी डू नॉट नो हाउ फार दिस हैज टू बी अप्लाइड फ्रॉम एक्स, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो इसको एक्स मान लिया। अब इस कंडीशन में नेट टॉर्क सिंस अनचेंज रखना है, तो टॉर्क ड्यू टू एफ वन प्लस टॉर्क ड्यू टू एफ टू, ये दो फोर्सेज जो लग रहे थे, दे शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू इक्विवेलेंट फोर्स, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तभी तो रोटेशनल मोशन जी सर। अब टॉर्क ड्यू टू एफ वन जब आप निकालोगे तो देखो कितना लिखोगे आप, ये देखो ये आपका सेंटर ऑफ मास है और F1 का डिस्टेंस वहां से कितना है, L by 2, सेंटर ऑफ मास से देखो L by 2 और नीचे वाले का भी L by 2, बट दोनों का अगर डायरेक्शन देखोगे तो डिफरेंट है। देखो F1 का टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज है जबकि F2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस विल बी F1 into L by 2 clockwise plus F2 into L by 2 anti clockwise. And that should be equal to F equivalent into X. And this is also anti-clockwise. समझ आ गया आपको? Yes sir. Yes sir. अब देखो, आपको ये बताया कि RHS में अगर anti-clockwise है तो LHS में भी anti-clockwise होना चाहिए। बस अब polarity को हटा दो यहाँ से। तो यहाँ से ये minus हो जाएगा। So minus of F1 और यहाँ पे plus of F2 and this multiplied with L by 2 and that should be equal to F1 plus F2 and into X. So यहाँ से देखो आपको X भी मिल चुका है। So X is coming out to be F2 minus F1 divided by F2 plus F1 and this multiplied with L by 2. Okay. समझ आई सभी को? Yes sir. Yes sir. कोई confusion है किसी को तो पूछ लो। कोई confusion? नहीं, चलो अच्छी बात है। Next check out. एक और application करते हैं। Imagine करो कि एक स्कूल में दो फ्रेंड्स हैं जो बहुत भारी सा एक पोल कैरी कर रहे हैं, ठीक है? दो फ्रेंड्स हैं वो कैरी कर रहे हैं। एक फ्रेंड है जो, जिसको हम ए मान लेते हैं, लेट्स से फ्रेंड ए है एक एंड पे, एक एंड पे वो, दिस इज फ्रेंड ए एंड दूसरा फ्रेंड है एंड से थोड़ा सा शिफ्टेड, ठीक है? ऐसा इमेजिन को, जस्ट हाइट में थोड़ा छोटा है। So let us say this is A and this is B. और B का जो point of application of force है वो आपका L by 4 distance में, ठीक है? और ये pole आप मान लो uniform pole है and this has a mass m and length L, ठीक है? M और L दी हुई है। आपको ये पूछा है कि अगर ये pole नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब turn करके नहीं गिर रहा है, तो इस केस में ए और बी कितने कितने फोर्सेस लगा रहे हैं ये आपको कैलकुलेट करना है। सो फाइंड द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ए एंड बी टू कीप द पोल इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम या सिंपली इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं क्योंकि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों चाहिए। पोल इन इक्विलिब्रियम, ठीक है? आपको क्या लगता है किसका फोर्स ज्यादा हो रहा होगा, ए का या बी का?
किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ए को, बी को शायद। और को आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है? और को, अच्छा और को के साथ और भी कोई बोल रहा है ए को, कोई जस्टिफिकेशन है एक ए वालों के लिए कि ए को क्यों लगाना पड़ेगा बताओ? मैंने शायद बोली थी मुझे अब लग रहा है बी को लगाना पड़ेगा। अब लग रहा है बी को लगाना पड़ेगा, अच्छा जस्टिफाई करो। क्योंकि मतलब फोर्स इनटू द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो तो बी के लिए छोटा है ना वो डिस्टेंस। हां सही कह रहे हो। हां टॉर्क उसका तो इक्वल करने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है। तो टॉर्क दोनों का इक्वल क्यों करना है? क्योंकि इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी तो होना चाहिए। तो mg का टॉर्क अभिलाष तुम यही बोल रहे हो ना? अभिलाष थे ना आप जो बोल रहे थे कि यहाँ बी का रिएक्शन ज्यादा होगा, सबसे पहले उन्होंने बोला शायद। किसने बोला था? इसे मैंने बोला था अरित्र ने। और इतरों ने बोला था, अच्छी बात है। देखो अभी आपके पास भी वही जस्टिफिकेशन था या कुछ और था बेटा? नहीं सर वही था। ठीक है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं उसको एक बार शेयर कर लिया करिए ताकि पता चले कि आप सोचना सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे ये दो रिएक्शन फोर्सेस हम दिखा रहे हैं, एक एन ए और एन बी। अभी फिलहाल के लिए मैं यू नो स्केल पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैलकुलेशन पे छोड़ देते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से आपको पता है एम जी वेट एक्ट करेगा, सो दिस इज एम जी। और यहाँ से ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, दिस इज एल बाय फोर, और दूसरे एंड से ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको एल बाय टू। ठीक है, अब देखो वेरिएबल कितने हमारे पास, दो है ना? यस सर। दो वेरिएबल के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। यस। तो एक तो आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से लिख सकते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब एन ए प्लस एन बी दैट शुड बी इक्वल टू एम जी, लिख सकते हैं ना? राइट, यस सर। ये किसका कंडीशन है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का है, राइट? दूसरा नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। अब नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो जब आपने लिखा तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू सीओ में लिख लेते हैं, तो ये जीरो करें, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो इसे क्या लिखोगे? देखो सेंटर ऑफ मास पे जब बैठोगे तब तो वेट का कोई टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि वेट तो उधर से ही पास कर रहा है। एन बी का अगर आप टॉर्क देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको? हाँ सर। सबको दिख रहा है NB into L by 4। देखो perpendicular distance point of application का L by 4 is center of mass है, तो NB into L by 4 anti-clockwise है, and plus NA into L by 2 clockwise, this should be equal to zero। समझ आई आपको? हाँ सर। Yes sir। अब सोचो दो चीजों का sum zero है, या फिर directly अगर ऐसे सोचें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं NB into L by 4 that should be equal to NA into L by 2, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, है ना? क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज है दूसरा क्लॉकवाइज है, तो माइनस तो आ ही जाएगा ना एक में, आएगा? आएगा सर। और फिर RHS में लेके चले जाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली लिख सकते थे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, ये मैग्नीट्यूड में। अब अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है तो ऑब्वियस है ना कि अगर लेंथ छोटा है तो फोर्स बड़ा होगा, है ही नहीं है? NB into L by 4 है और NA into L by 2 है और वो दोनों हम कह रहे हैं सेम है, तो obviously L by 4 since L by 2 से छोटा है तो NB तो NA से बड़ा हो गई ना। तो यहाँ से देखोगे अगर तो NB आपको मिल जाएगी, NB की वैल्यू आ रही है twice of NA। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये याद रखो कि जो सेंटर ऑफ मास के क्लोजर होगा, जो भी सेंटर ऑफ मास के क्लोजर होगा उसको आपका क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है? हाँ सर। तो यहाँ से देखो अभी आप देखोगे तो वन और टू को यूज करो तो एन ए का वैल्यू आपको मिल गया है, दैट इज कमिंग आउट टू बी एम जी बाई थ्री, एंड एन बी का जो वैल्यू आ गया दैट इज टू एम जी बाई थ्री। समझ आई? समझ आई सभी को? यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके, अब देखो ये आपको यू नो कन्वेंशनल तरीका दिखेगा, सारे बुक्स में यही करते हैं, यू नो ये नॉर्मल सा मेथड मैंने आपको दिखाया सॉल्व करने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर करता हूँ तो उसको कैसे करता। ठीक है, देखो अक्सर आपको ये समझ आना चाहिए कि जो टॉर्क का कैलकुलेशन अगर आप
ऐसे पॉइंट के अबाउट चूज करो जो कि अननोन फोर्सेस उसके थ्रू पास कर जाए, तो वो हमेशा आपके लिए कन्वीनियंट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आप एक लाइन में उस बाकी सारे नोन फोर्सेस का यू नो वैल्यू निकाल सकते हैं अननोन फोर्सेस का. जैसे देखो अगर कोई मैं यहाँ पे एक पॉइंट चूज करूँ और मैं इस पॉइंट को ए कह रहा हूँ, तो टॉर्क अबाउट ए ये भी जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट देखो तो क्या आपको रोड टर्न करता हुआ दिखना चाहिए? नहीं सर. नहीं सर. नहीं. तो अब सोचो क्या एन ए का टॉर्क जीरो हो गया? नहीं हो गया. हाँ, और एमजी का टॉर्क देखो क्लॉकवाइज है, दिख रहा है आपको? दिख रही है? पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट एमजी का टॉर्क इज mg into l by 2, दिख रहा है आपको? दिख रहा है सभी को? हाँ सर. एंड दैट शुड बी इक्वल टू अब nb का टॉर्क, nb का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज देखो, दिख रहा है आपको? और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां से कितना है? 3l by 4. तो क्या लिखेंगे आप? nb into 3l by 4. देखो आपको nb एक लाइन में मिल चुका है ऑलरेडी, कितनी आ रही है? 2mg by 3. दिख रही है आपको? yes. दिख रही है? तो आपको समझ आ रहा है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये टाइम भी तो सेव करना है ना. क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में टाइम सेव करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि टाइम हम अपने सुविधा से किसी भी पॉइंट पे ओरिजिन और कोऑर्डिनेट फिक्स कर सकते हैं. हाँ, किसी भी पॉइंट के अबाउट, बट मैंने आपको जो पहले ऑलरेडी वार्निंग की तरह दे रखा है अनएक्सेलरेटेड होना चाहिए, और अगर एक्सेलरेटेड हुआ तुमको पता है कितना एक्सेलरेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग सूडो फोर्स भी लगा दो सेंटर ऑफ मास के थ्रू और उसका भी टॉर्क ले लो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है. समझ आ गया? यस. सबको क्लियर है? हाँ सर. यस हाँ सर. हाँ सर. ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. देखो ये मान लो एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास m और लेंथ l का, ठीक है? यस, ये जो वर्टिकल वॉल है मान लो, इस वर्टिकल वॉल पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको म्यू 1 दे रखा है, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको म्यू 2 दे रखा है, ठीक है? और हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ रॉड का जो इंक्लिनेशन है उसको थीटा मान रखा है. आपको पूछा है उसने कि थीटा की वैल्यू को what should the minimum value of theta be such that the rod can stay in equilibrium. आप try करेंगे? आप ट्राई करेंगे या मैं करूं? ट्राई करते हैं. अच्छा, जस्ट मैं एक चीज आपसे पहले एक बार एक चीज पूछ लेता हूं, फिर उसके बाद फिर आप ट्राई करना, ठीक है? आप पहले ये बताओ मुझे कि पहले यू नो मतलब जैसे सिंस ही उसने कह रखा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, तो इतना तो पक्का है कि आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन लेना पड़ेगा, है ना? हां सर. है ना, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? जस्ट अबाउट टू स्लिप वाला कंडीशन, है ना? Yes, sir. हाँ, sir. तो मिनिमम वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ लगाओगे, नीचे में या ऊपर में? पहले ये सोच के मुझे बताओ, फिर आगे करना. बोलो. सर ऊपर में जस्टिफाई करो. कौन बोल रहे? एक बार नाम बोल दो, मैं आवाज पहचान नहीं पा रहा हूं. नाम बोलो बेटा एक बार.
अरे आप तो बोल ही नहीं रहे। सौरदीप हाँ जस्टिफाई करो बेटा। सर ये जो MG एक्ट कर रहा है उसकी वजह से तो ऊपर का पार्ट में पहले नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अच्छा ठीक है, एक लॉजिकली सोच के देखो, ऐसा वियर्ड सा सिनेरियो सोचो। अगर मान लो कि आप लोअर पॉइंट को स्लिप नहीं कराते हो और ऊपर पॉइंट को पहले स्लिप करा देते हो तो क्या आपका रॉड छोटा नहीं हो जाएगा? होगा नहीं होगा? नहीं समझ आ रही तुम्हें? ये रिपीट कीजिए। बोल रहा हूँ देखो, मैं करके दिखा रहा हूँ तुम समझ आ जाओगे। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाला पॉइंट को पहले स्लिप करा दे रहा हूँ, ठीक है, और नीचे वाला पॉइंट को वही कॉन्टैक्ट में रख रहा हूँ। मतलब एकदम बिल्कुल डीटी टाइम में सोचो जो आपको दिखेगा, मतलब स्लिप किया है जस्ट ऐसे सोचो, जस्ट अबाउट टू स्लिप वाला कंडीशन है एंड देन डीटी टाइम के बाद मैं दिखा रहा हूँ। तो आप ऐसा बोल रहे हो ना, ऐसे सिचुएशन कुछ होगा है ना, यही बोल रहे हो ना आप कि लोअर पॉइंट स्लिप नहीं करेगा और ऊपर वाला पहले स्लिप कर जाएगा, यही बोल रहे हैं आप? सौरदीप मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। हाँ तो इससे लेंथ छोटा नहीं हो गया आपके रॉड का? हाँ सर। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ छोटा हो गया। तो क्या ये पॉसिबल है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है? इसका मतलब कि अगर स्लिपिंग होगी, इसका मतलब अगर स्लिपिंग होगी तो दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक साथ स्लिप करेगा, समझ आई? ऐसा नहीं हो सकता कि एक पहले स्लिप करे और दूसरा बाद में स्लिप करे, समझ आई? तो ऊपर में और नीचे में दोनों में ही लिमिटिंग, दोनों में ही लिमिटिंग फ्रिक्शन एक साथ आएगा, समझ आई सभी को? हाँ सब कुछ समझ आई है। हाँ अब आप कर सकते हैं, अब आप इस क्वेश्चन को करो, आपके पास 3 मिनट का टाइम है, ठीक है? अब आप करो, दोनों जगहों पे याद रखना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ऐड करना है। हुआ आप लोगों का? हुआ? नहीं सर। अभी तक नहीं हुआ सर, हुआ पर कैलकुलेशन चल।
देखो मैं कर रहा हूँ, चेक करो, इतने देर में हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर रहे होंगे। देखो इधर चेक करो एक बार, देखो मैं एक बार फोर्सेस दिखा रहा हूँ, आप नोटिस करो एक बार। सेंटर ऑफ मास से तो वेट ऐड करना है, सो दिस इज COM, एंड यहाँ से आपका MG ऐड कर रहा होगा, ठीक है। सिंस ये COM है तो दोनों तरफ से तो सेम डिस्टेंस पे होगा, तो क्या मैं ये वाला डिस्टेंस को L by 2 cos theta लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। और दूसरे एंड से भी अगर आप दिखाओगे तो सेम तरीके से आप L by 2 cos theta फिर से लिख सकते हो दूसरे एंड से भी। फ्रिक्शन N1 दिखा रहे हैं, एंड सिंस स्लिपिंग का टेंडेंसी लेफ्ट की तरफ होगा तो फ्रिक्शन आपका राइट की तरफ आएगा, एंड ये फ्रिक्शन को अगर F1 लिख रहे हैं तो दैट विल बी म्यू, सॉरी F2 ना, अच्छा नीचे का सरफेस 2 था तो इसलिए N2 और लिख लेते हैं, ठीक है ना, नाम बस चेंज कर रहे हैं, तो N2 और F2 को लिख लेते हैं, म्यू टाइम्स ऑफ N2 होगा, ठीक है। सिमिलरली ऊपर के सर्फेस एक नॉर्मल रिएक्शन N2 आएगा, सॉरी N1 आएगा, और सिंस स्लिपिंग का टेंडेंसी डाउनवर्ड्स है तो फ्रिक्शन आपका अपवर्ड्स आएगा, सो दैट विल बी फ्रिक्शन F1 एंड दैट विल बी म्यू टाइम्स ऑफ N1, सही है? हाँ सर, ठीक है। अब आप एक चीज सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखो, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, मतलब N1 शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ N2, सॉरी म्यू नहीं, म्यू1 म्यू2 लिखना पड़ेगा ना, म्यू2 और ये म्यू1, ठीक है। सो N1 शुड बी इक्वल टू म्यू2 टाइम्स ऑफ N2, क्या हम लिख सकते हैं ऐसा? हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखो, N2 प्लस म्यू1 टाइम्स ऑफ N1 शुड बी इक्वल टू MG, लिख सकते हैं ऐसा, है ना? हाँ सर, ये सेकंड कंडीशन हो गया। अभी यहां से देखो, अगर मैं यहां से N1 की वैल्यू को N2 के टर्म से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मुझे वैल्यू मिल जाएगा N1 और N2 दोनों का? हां सर मिल जाएगा, N2 कॉमन कर लिया तो 1 प्लस μ1 μ2 एंड दैट इज इक्वल टू MG आ रही है, तो N2 की वैल्यू मिल गई आपको, दैट इज MG डिवाइडेड बाय 1 प्लस μ1 into μ2 आ रही है, क्लियर है? है ना, मिल गया सर? यस सर। तो N2 मिल गया तो ऑब्वियसली N1 भी मिल गया आपको, so N1 भी आपको मिल चुका है, so N1 is mu2 into mg divided by 1 plus mu1 into mu2, ये भी आपको मिल गया है, ठीक है। अब ये मिल गया, उसके बाद फिर अब आपको थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है, थीटा का कंडीशन निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया, किसी भी एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, क्या सेंटर ऑफ मास हमारा प्रेफरेबल पॉइंट है? देखो सेंटर ऑफ मास पे अगर आप बैठ के टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो आपको चार फोर्सेस का टॉर्क लिखना पड़ेगा, दिख रहा है आपको? दिख रहा है। और अगर आपने लोअर मोस्ट पॉइंट या अपर मोस्ट पॉइंट को अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरह चूज किया तो तीन फोर्सेस का टॉर्क लिखना पड़ेगा, है ना? तो कौन सा प्रेफर करेंगे, चार फोर्सेस या तीन फोर्सेस? तीन फोर्सेस। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को लोअर एंड पे रख लेता, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, तो अब मैं लिख रहा हूँ कंडीशन टॉर्क अबाउट ए या फिर जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अब आप पॉइंट ए को भी सोचो, क्या ये एक्सेलरेटेड या अनएक्सेलरेटेड है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि रॉड मूव ही नहीं कर रहा है, और रॉड अगर मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट अनएक्सेलरेटेड हुआ ही नहीं हुआ? हाँ सर हुआ, ठीक है, तो इसलिए ये सेफ पॉइंट था मेरे लिए। तो अब किसका किसका टॉर्क है, एक एमजी का है, तो एमजी इनटू एल बाय 2 कॉस थीटा, सही है, समझ आ गया? हाँ सर। ये हो गया क्लॉकवाइज, और बाकी जो फ्रिक्शन F1 है और जो N1 है दोनों का टॉर्क देखो एंटी क्लॉकवाइज है, आपको दिख रहा है? हाँ सर। पॉइंट ए के अबाउट, तो N1 का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो कितने दूर पे है, देखो तो ये लाइन को अगर एक्सटेंड करें, देखो पॉइंट ए से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका देखो, क्या ये L sin थीटा है क्या? sin थीटा, हां सर दिख रही है। और F1 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो सिंपली L cos थीटा है, दिख रहा है आपको? दिख रही है, तो इसको लिख सकते हैं हम N1 into L sin थीटा एंड प्लस μ1 times of N1 into L cos theta, समझ आ गया सभी को? देखो तो yes sir, ठीक है, और यहां से L तो हट जाएगा, सब में कॉमन है, और यहां से पूरे इक्वेशन को आप cos theta से डिवाइड कर दो, तो यहां से आ रही है mg by 2 is equal to n1 कॉमन ले लिया
तो यहाँ जाएगा tan theta n plus mu 1, ये रही है? और n1 की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, उसको यूज करो यहाँ से. सो दिस इज mu 2 टाइम्स ऑफ mg डिवाइडेड बाय 1 plus mu 1 mu 2 एंड दैट मल्टीप्लाइड विद tan theta n plus mu 1 एंड दैट इज mg डिवाइडेड बाय 2. mg तो कॉमन है, कट जाएगा यहाँ से. तो यहाँ से देखो आपको tan theta की वैल्यू मिल गई. सो tan theta इज कमिंग आउट टू बी 1 plus mu 1 mu 2 divided by twice of mu 2 and minus of mu 1. So this becomes 1 minus of mu 1 mu 2 and divided by twice of mu 2. Okay, answer. Got it? Koi confusion hai kisi ko? Ek baar dekh lo sabhi, koi kuch confusion hai to mujhe batao ek baar. स्टेप्स देख लो, मैं वेट कर रहा हूं. ठीक है ना सबका? सर मिनिमम थीटा वही है जो मतलब दोनों केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है. हाँ हाँ, इसी के वजह से हमें मिनिमम थीटा मिल रहा है. हाँ, क्योंकि इससे अगर छोटा रखोगे तब तो गिर जाएगा. हाँ सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर. अभी आगे बढ़ते हैं. एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम टॉपलिंग कहते हैं. टॉपलिंग का जो मतलब है, ये तो आप सबको पता होगा. मतलब कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो नहीं पता होगा, बट टॉपलिंग का मतलब तो सबको पता है ना. टॉपल कर जाना क्या होता है? जैसे बोलते हैं टॉपल कर गया, इसका क्या मतलब? घूम के गिर जाना, पलटी खा जाना है ना. जैसे आप चेयर में अगर बहुत ज्यादा पीछे की तरफ लीन करते हो तो आप टॉपल कर जाते हो या नहीं? राइट, चेयर में बहुत ज्यादा पीछे की तरफ लीन करके देखो, देखो आप गिर जाओगे. अभी 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 अपने एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको पता चल जाएगा. आप पीछे की तरफ बहुत ज्यादा लीन करो, देखो आप गिर जाओगे. तो वो जो गिर जाने का फेनोमेन है ना, इसी को टॉपलिंग कहते हैं. तो अब टॉपलिंग का मतलब क्या हुआ, ये तो आपको पता चल गया. क्योंकि जब आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, तो उस एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है किसी एक एज के अबाउट जस्ट टर्न करने वाली कंडीशन में आ जाता है, जस्ट टर्न करने वाली कंडीशन में आ जाता है. और जब ये जस्ट टर्निंग वाला कंडीशन क्रिएट होता है, तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू टॉपल वाला कंडीशन में आ चुका है. ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो अब थोड़ी देर में आपको बताता हूँ. बस बेसिक मतलब पहले लिख देता हूँ. व्हेन अंडर वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट tends to turn over about a particular point या फिर edge of the object, then the object is said to be. सर राइट साइड दिखाई नहीं दे रहा है. इट्स सेड टू बी टॉपलिंग. राइट साइड दिखाई नहीं दे रहा मतलब? इसका क्या मतलब हुआ? नहीं सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है बेटा. चलो अच्छा देखो, टॉपल हमेशा ऑब्जेक्ट सरफेस पे करता है, हवा पे टॉपल नहीं करता है, सरफेस पे ही टॉपल करेगा. तो यहाँ पे मैं एक सरफेस दिखा रहा हूँ देखो, और ये इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की मैं कुछ एक हाइट मान लेता हूँ, लेट्स से दिस इज हाइट h, और इसके साइड लेंथ को कुछ मान लेता हूँ, ये a मान लेता हूँ, ठीक है, या l मान लेता हूँ. साइड लेंथ को l चूज कर लिया हमने, एंड मान लेते हैं कि ये मैंने आपको एक यूनिफॉर्म ब्लॉक दे रखा है, यूनिफॉर्म क्यूबॉइडल ब्लॉक है.
आपको स्क्रीन दिख रहा बेटा? ये तो जस्ट मेहनत करवाएगा, पूरा क्रैश करेगा। अच्छा टॉपलिंग का डेफिनेशन आप सबने लिख लिया था क्या? तो मैं इसको नहीं लिखूंगा अभी। हाँ सर लिख लिया। हाँ सर ठीक है, तो क्योंकि ऐप क्रैश कर गया ना तो वो भी फिर से वो गायब हो गया। लास्ट का एक दो मिनट में जो भी लिखता हूँ गायब हो जाता है कभी कभी। टाइप डायग्राम तो मैंडेटरी बनाना ही पड़ेगा। आपको बता रहा था कि हाइट एच लिया है मैंने और लेंथ एल लिया है और ये क्यूबॉइडल ब्लॉक है ये भी दे रखा है मुझे और यूनिफॉर्म दे रखा है ये भी है। ठीक है दिस इज अ यूनिफॉर्म क्यूबॉइडल ब्लॉक। मान लेते इसका मास एम है, ऑफ मास एम। इस पे क्या कर रखा है हमने ऐसे एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रखा है। ठीक है राइट की तरफ दिस इज एन एक्सटर्नल फोर्स, पुशिंग फोर्स है पैरेलल टू द सरफेस। ये सरफेस मैंने आपको दे रखा है सफिशिएंटली रफ है, सफिशिएंटली रफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग, मतलब स्लिपिंग नहीं होगा ये आपको दे रखा है। ठीक है मैं जानना चाहता हूं कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा और कहां से लग रहा होगा। I'm just interested in finding out the normal reaction. पहले ये सोच के देखो कि आप अगर इस पे forces दिखाओगे क्या क्या दिखाओगे, surety के साथ क्या क्या दिखा सकते हैं। एक है mg जो center of mass से लगेगा, ये देखो ये mg दिखा रहे हैं। एक friction लगेगा जो उसको slip करने से रोकेगा and this will be a static friction क्योंकि उसने कह रखा है sufficient है उसको slip करने से रोकने के लिए, तो ये static friction ही होगा। और ये opposite to the applied external force होगा तो इसलिए आपने fs left की तरफ दिखा रखा है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो आप श्योर होकर बता सकते थे। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां से दिखाओगे? वेयर विल द नॉर्मल रिएक्शन्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बी बताओ। इससे पहले तक जब हम यू नो ट्रांसिशनल इक्विलिब्रियम का ही कंडीशन लिखते थे तब हम कभी भी ये नहीं सोचते थे कि नॉर्मल रिएक्शन कहां से दिखाना है। हम ऐसे एकदम बिल्कुल रैंडमली ऐसे नॉर्मल रिएक्शन एन दिखा देते थे, दिखाते थे नहीं, बस ये दिखाते थे कि परपेंडिकुलर टू सरफेस, बस ये दिखाते थे कि परपेंडिकुलर टू सरफेस होना है, बट कहां से लगता था ये नहीं सोचते थे। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि कहां से लिखा रहा है क्योंकि आप डेलिबरेटली मतलब यू नो अनइंटेंशनली नहीं करना, आपको इंटेंशनली करना है क्योंकि आपको टॉर्क का भी कंडीशन लिखना है इस बार। मतलब ऑब्जेक्ट टर्न नहीं कर रहा है ये चीज का भी कंडीशन लिखना है, ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा है इस चीज का कंडीशन लिखना है इस बार आपको। तो अब आप सोच के देखो सपोजली मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो अभी ट्रांसलेशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, मतलब अभी तक टर्न नहीं किया है, मान लेते हैं अभी तक टर्न नहीं किया है, मतलब ये गिवन है। मान लेते हैं ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों ही है। ठीक है अब आप सोच के देखो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन बीचों बीच लगा देता तो इस केस में आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि यह सही होता या गलत होता? हाँ सर कहां लगा देते? बीच में लगा रहे हैं। गलत होता सर। गलत क्यों? क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे COM से नॉर्मल रिएक्शन पास कर रहा है तो उसका टॉर्क नहीं होगा पर एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क आ जाएगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। किसके अबाउट टॉर्क ले रहे हो? सेंटर ऑफ मास के अबाउट? हाँ सर। तो फ्रिक्शन का तो टॉर्क आएगा? हाँ सर वो तो आएगा। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है? बोलो फिर क्या दिक्कत है? देख रहा सोच नहीं रहे हो पूरा, सोचोगे तो डेफिनेटली आंसर मिलेगा। और किसी को स्ट्राइक नहीं कर रहा है सर? मतलब जो टॉर्क की वजह से आएगा मतलब ऊपर वाला फोर्स और फ्रिक्शन का
तुम ग्राउंड पे जिस जगह पे ज्यादा प्रेस करेगा ऑब्जेक्ट का जो पार्ट वही पे तो नॉर्मल लगेगा। सर नहीं सर, एक ही डायरेक्शन में तो टॉर्क आ जा रहा है। हाँ अब सही सोच रहे हैं, अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो सेंटर ऑफ मास के बाद देखो जो एफ का टॉर्क है वो भी क्लॉकवाइज है और जो फ्रिक्शन का टॉर्क है वो भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज है तो बैलेंस कैसे करेगा एक दूसरे को। हाँ सर दिख रहा है सभी को। हाँ सर, तो इसका मतलब है तुमको डायरेक्शन तो उल्टा करना पड़ेगा ना फ्रिक्शन का, और डायरेक्शन अगर फ्रिक्शन का उल्टा कर दिया तो क्या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रह पाएगा वो? नहीं सर। नहीं, तो यहीं से तो दिख गया कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब नॉर्मल हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन को चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वो तो कॉन्ट्रडिक्शन हो ही जाएगा। एमजी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चेंज नहीं कर सकते, वो भी गलत हो जाएगा। तो तीसरा कौन बच रहा है कल्प्रिट? नॉर्मल रिएक्शन ही तो बच रहा है ना, बच रहा नहीं बच रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अब एक चीज सोच के देखो, तुम सेंटर ऑफ मास पे क्यों बैठे हो? तुम ऐसे पॉइंट पे बैठो जो जहां से फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का इंटरसेक्शन हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन है और फ्रिक्शन का जो लाइन ऑफ एक्शन है उन दोनों का इंटरसेक्शन कहां पे है? एमजी जहां से पास कर रहा वहीं पे है ना। देखो तो एक ब्लू डॉट मार्क कर रहा हूं, क्या यहीं पे? हां सर। राइट, अगर मैं इस पॉइंट पे बैठ के टॉर्क कैलकुलेट करता तो देखो तीन फोर्सेस का टॉर्क जीरो आता, आता ही नहीं आता? आता या नहीं आता? हां सर। और फ्रिक्शन जो अप्लाइड फोर्स है उसका टॉर्क नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो टॉर्क कैसे बैलेंस करेगा? एक अकेला फोर्स का नॉन जीरो टॉर्क किसी को बैलेंस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि यहीं से दिख रहा है कि आपका कॉन्ट्रडिक्शन तो है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो अब आपके पास शिफ्ट करने का दो ऑप्शन है, या तो आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे या राइट की तरफ, दोनों में से किसी एक तरफ शिफ्ट करेंगे। अगर आपने नॉर्मल रिएक्शन को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, एक बार शिफ्ट करके दिखाई देता हूँ। मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन को हमने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो देखो ये नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क भी आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। देखो दिख रही है? तो ये कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया है, ये डिस्टेंस मुझे निकालने का है कि कितना दूर पे ये लग रहा है। ये डिस्टेंस को मान लेते हैं ये x है, ठीक है? आप एक एक करके बस कंडीशन लिखते चले जाओ। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको किससे मैच करना पड़ेगा? अप्लाइड फोर्स एफ से। और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको किससे मैच करना पड़ेगा? एमजी से। ये जो हमने कंडीशन लिखे हैं ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के हैं और इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है? नेट फोर्स बस हमने जीरो लिखा है। अब आते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे। तो टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लिखना आपके लिए कन्वीनियंट होगा? किस पॉइंट के अबाउट? जो पॉइंट मैंने ए मार्क कर रखा है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट ए, इसके अबाउट कन्वीनियंट होगा ना? होगा। हाँ सर। तो टॉर्क अबाउट ए जीरो कर रहे हैं, तो देखो एफ जो अप्लाइड फोर्स एफ है उसका टॉर्क कितना आएगा? एफ इनटू एच। दिख रही है? Yes. दिख रही है? एंड दैट शुड बी बैलेंस्ड बाय टॉर्क ऑफ एमजी, टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज एन इनटू एक्स। तो देखो आपको एक्स की वैल्यू मिल गई है, सो एक्स इज कमिंग आउट टू बी एफ बाय एन व्हिच इज एमजी and into h। दिख रही है आपको? Yes. ठीक है? अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो x की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू f आ रही है, दिख रही है आपको? क्योंकि mg और h वो तो उस ब्लॉक का प्रॉपर्टी है ना। हाँ सर। राइट, ब्लॉक कितने मास का है ये तो हमने डिसाइड कर रखा है, ब्लॉक का हाइट कितना है ये तो हमने डिसाइड कर रखा है। हाँ, अप्लाइड फोर्स हमने डिसाइड नहीं किया है, अप्लाइड फोर्स कोई भी कुछ भी लगा सकता है। इसका मतलब जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स एफ आप बढ़ाते चले जाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन भी आपका शिफ्ट होता जाएगा नहीं राइट की तरफ, होगा? हाँ सर, शिफ्ट होता जाएगा। अगर आप एफ को जीरो कर देते हो तो एक्स भी जीरो हो जाएगा। हाँ सर। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास करेगा? एकदम पॉइंट ए से पास करेगा, मतलब बीचों बीच से पास करेगा। अगर आप एफ की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन भी आपका राइट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ग्रेजुअली शिफ्ट होता जाएगा, शिफ्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। बट क्या ये इनफिनिट तक शिफ्ट हो सकता है या एक लिमिट तक ही शिफ्ट हो सकता है? सर एक लिमिट तक ही तो शिफ्ट हो सकता है। कहां तक? सर एकदम कोने वाले पॉइंट पे, एकदम कॉर्नर तक, है ना? समझ आ रही है? यस सर। एकदम कॉर्नर तक मतलब जो l by 2 डिस्टेंस है वहां तक, है ना? हां सर, x = l।
अगर आप सपोजली नॉर्मल रिएक्शन एकदम शिफ्ट होके कॉर्नर तक चला गया है, जस्ट चला गया है, अब आपने अपने अप्लाइड फोर्स को और थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब क्या होगा? क्या नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट कर पाएगा? नहीं सर। क्या नॉर्मल रिएक्शन अपनी मैग्नीट्यूड को चेंज कर पाएगा? नॉर्मल रिएक्शन तो एमजी था ना। हाँ सर, नहीं कर पाया। तो नॉर्मल रिएक्शन अपनी मैग्नीट्यूड को भी चेंज नहीं कर पाया और नॉर्मल रिएक्शन अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को भी दूर नहीं ले जा पाया, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क अब फिक्स हो गया? नहीं हो गया इस इंस्टेंट के बाद, हो गया नहीं हो गया? हाँ सर। और अब तुमने एफ को और बढ़ा दिया है, तो एफ को और बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली एफ का टॉर्क भी बढ़ गया, और एफ का टॉर्क बढ़ गया तो क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा? नहीं घूम जाएगा, घूम जाएगा। हाँ सर, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये अब जो बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो टॉपल करने वाला है, समझ आ रही है? तो टॉपल करते वक्त जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? एकदम एज पे शिफ्ट हो जाता है। अगर टॉपल नहीं कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एज से थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा। आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है सभी को? यस सर। देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन मैंने दिखा रखा है ना, ये इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है। जब मैं कह रहा हूँ इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन एक जगह से ऐसे थोड़ी ना होता है कि एक जगह से लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन तो पूरे सर्फेस पे जनरेट हो रहा होगा, बट राइट हाफ पे ज्यादा जनरेट हो रहा होगा और लेफ्ट हाफ पे कम जनरेट हो रहा होगा। इसीलिए इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किस तरफ है? राइट की तरफ है। आपको समझ आ रही है? जैसे याद करो मैंने आज जो आपको पहला चीज कराया था, ये वाला याद करो, ये वाला आपको याद है? इक्विवेलेंट फोर्स ऑफ, इक्विवेलेंट फोर्स निकाल रहे थे, याद है? हाँ सर। तो ये देखो F1, F2 को हटा के मैंने एक सिंगल फोर्स लगाया था, नहीं लगाया था, जिसको मैंने F इक्विवेलेंट बोला था। देखो ऊपर में देखोगे तो ऊपर वाले हाफ में लेस फोर्स है F1 और लोअर वाले हाफ में ज्यादा फोर्स है F2, और उन दोनों को हटा के जब मैंने एक सिंगल फोर्स F इक्विवेलेंट लगाया तो ना तो F1 के लोकेशन पे लगाया ना तो F2 के लोकेशन पे लगाया है, ये F2 की तरफ थोड़ा सा शिफ्टेड लगाया है। दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एक ही लग रहा है, एक ही नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है और राइट हाफ में ज्यादा है और लेफ्ट हाफ में आपका क्या है? कम है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। हाँ सर, वहीं पे सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, एक नॉर्मल रिएक्शन के से कांटेक्ट छूट जाएगा। हाँ, तो ये चीज का कंफ्यूजन मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपका। देखो ये ऑब्वियस था तो आपको पूछना चाहिए था यहाँ से। तो नॉर्मल रिएक्शन जो दिख रहा है, दिखेगा ना सरफेस से, वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, लेफ्ट वाले हाफ में कम और ग्रेजुअली ये मैंने राइट वाले हाफ में थोड़ा सा करके ज्यादा होता चला जाएगा। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो इसका ही इक्विवेलेंट फोर्स, इसका ही इक्विवेलेंट फोर्स हमने एक सिंगल फोर्स दिखा रखा है और वो राइट की तरफ थोड़ा शिफ्टेड है। समझ आइए सभी को? हाँ सर। यस। तो ये मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख देता हूँ ये बातें। आपको ये याद क्या रखना है कि किस तरफ नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट किस तरफ होता है तो क्या बोलोगे, किस तरफ शिफ्ट होता है? हाँ सर, क्या बोला अभी? किसी ने आपसे ये पूछा कि नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होता है ये बताओ, तो क्या बोलोगे, किस तरफ शिफ्ट होता है? मतलब इन जनरल बोलेगा टॉपलिंग में नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता है तो किस तरफ शिफ्ट होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सॉरी, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, जिस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल फोर्सेस मिल रहा है अलोंग द सरफेस, जिस डायरेक्शन में एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है अलोंग द सरफेस, उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे फोर्स देखोगे अगर तो राइट की तरफ लग रही है तो राइट की तरफ आपका नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान रखो, सो x प्रोपोर्शनल टू f से इंडिकेट क्या कर रहा है, इंडिकेट्स पहला नॉर्मल रिएक्शन पासेस थ्रू COM ओनली इफ देयर इज नो external force parallel to surface
ठीक है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू सरफेस। तीसरा एज एफ का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज इंक्रीज्ड, द नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स द एज टू कीप द टॉर्क बैलेंस्ड, बट एज द एन रीचेज द एज ऑफ ऑब्जेक्ट, एज ऑफ ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट शिफ्ट एनी फर्दर, इट कैन नॉट शिफ्ट एनी फर्दर एंड हेंस एनी फर्दर increase in magnitude of f will topple the object. ठीक है, therefore to avoid toppling condition क्या होना चाहिए, x should be less than or equal to l by 2। सही कह रहे हैं, नहीं सही कह रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू लेस देन l by 2 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू देखो हमने यहां से ऑलरेडी निकाल रखा है f by mg into h, तो इसको यूज करो, तो f by mg into h should be less than or equal to l by 2, तो f should be less than or equal to mg by 2 into l by h। समझ आया? तो ये फोर्स अगर आपका, अगर f इस फोर्स से कम है तो वो टॉपल नहीं करेगा, बट अगर इससे एक्सीड कर गया तो क्या होगा, टॉपल कर जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो ये मेथड तभी अपनाना जब आपको ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी निकालना हो, बट अगर आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं निकालना है, किसी ने पूछा है कि कम से कम कितना फोर्स लगाना है कि टॉपल करवा दें, या मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं कि टॉपल ना कर पाए, देखो दो चीज मैंने बोला, कम से कम कितना फोर्स लगाए सच की वो टॉपल कर जाए, और मैक्सिमम कितना फोर्स लगाए कि टॉपल ना करे, इन दोनों का आंसर एक ही होगा या नहीं? हाँ सर सेम होगा। सेम होगा, तो इस केस में क्या नॉर्मल रिएक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमें पहले से पता है या नहीं एकदम एज पे? Yes, है सर। है ना, तो अगर आपको सिर्फ ये निकालना है कि कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि टॉपल कर जाए, या मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि टॉपल ना करे, तब डायरेक्टली आप नॉर्मल रिएक्शन को एज पे ही शिफ्ट कर लेना, और एज के अबाउट ही टॉर्क लिख लेना, और वहां पे बैलेंस कंडीशन को लिख लेना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कंडीशन हम कैसे निकाल सकते थे, देखो जैसे ऐसे for maximum force to avoid toppling, ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे डायरेक्टली इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो हमारे पास एक ब्लॉक है, ये एक सरफेस पे पड़ा हुआ है, यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही है, यहां से इसकी खुद की वेट भी लग रही है, यहां से एक फ्रिक्शन भी आ रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये एज है जिसके अबाउट ये टॉपल करने वाला है। ठीक है, यहां से आपका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, लगेगा नहीं नॉर्मल रिएक्शन एज पे, राइट? यस सर। सो ये वाले एज के अबाउट इसको जस्ट हमें टॉपल करवाना है, ऐसे सोचना है। तो इस केस में सोचो, इसी को क्या मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह सोच सकता हूँ, क्योंकि जैसे ये टॉपल करेगा तो इसी के अबाउट तो ये घूमेगा ना, ऐसे सोच के देखो, इसी के अबाउट घूमेगा नहीं, या तो इधर घूमेगा नहीं। हाँ सर। राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसका टॉर्क है, सोचो एंटी क्लॉकवाइज किसका टॉर्क है, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी है ना, और क्लॉकवाइज टॉर्क किसका है, टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं? हाँ सर। तो अगर टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अगर ग्रेविटी के टॉर्क से बड़ा हो गया,
तो ये टॉपल कर जाएगा। और अगर टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, अगर टॉर्क ऑफ फोर्स से अगर बड़ा हुआ तब तो जमीन पे कॉन्टैक्ट बना के रखेगा ना, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि जस्ट अबाउट टू टॉपल वाला कंडीशन है, तो आप कंडीशन क्या लिखोगे? टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ ग्रेविटी। टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मतलब एफ इंटू एच, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी मतलब एम जी इंटू एल बाई टू। देखो आपको एफ की वैल्यू मिल गई, नहीं मिल गई, सो एफ बिकम्स एम जी बाई टू इंटू एल बाई एच। देखो आंसर आया या नहीं आया, दिख रही आपको? आया सर, हाँ सर। मैंने पिछली बार भी यही निकाला, बट मेथड थोड़ा लंबा किया। पहले मैंने क्या किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन निकाला, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन निकालने के बाद जो डिस्टेंस एक्स आया उसको एल बाई टू से छोटा रखा, उससे वैल्यू मिला। बट उसकी जरूरत ही नहीं जब आपको मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स चाहिए, मतलब मैक्सिमम फोर्स के टॉपल यू नो ना करे, और या फिर यू नो मिनिमम फोर्स सच की टॉपल कर जाए, तब तो आपको नॉर्मल रिएक्शन पहले से ही पता है कहाँ से लग रहा है एज पे, तो उसके इसमें डायरेक्टली एज के अबाउट ही टॉर्क लिख लेना है। आई होप सबको ये बात समझ आ गई है। यस सर, ठीक है। मान लो कि इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है और उस पर टॉपल करवाना है मैं किसी को, ये मान लो थीटा का इंक्लिनेशन है और ये हमारा रफ सरफेस है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट में जो म्यू दी हुई है। मान लो यहाँ पे एक सिलेंडर भी रखा हुआ है हमने, सिलेंडर की हाइट आपको दी हुई है, ये एच है, और इस सिलेंडर की रेडियस आपको आर दी रखी है, यूनिफॉर्म सिलेंडर है। इसकी मास है मान लो, ठीक है। अब आपको ये पूछा है उन्होंने, फाइंड एच इज टू आर टू अवॉइड टॉपलिंग, क्या होना चाहिए h और r का रेशियो, क्या होना चाहिए सच की आपका टॉपल ना करे। देखो चेक करो, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से वेट एक्ट करता है, तो वेट के दो कंपोनेंट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक है mg sin थीटा और एक है ये mg cos थीटा। एक आपका फ्रिक्शन भी ऐड करेगा, ये पैरेलल टू सरफेस होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। नॉर्मल रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, डाउन द इंक्लाइन या अप द इंक्लाइन या बीचों बीच? नॉर्मल रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, डाउन द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन क्योंकि mg sin थीटा किधर ऐड कर रहा है, देखो डाउन द इंक्लाइन, तो नॉर्मल रिएक्शन आपको क्या बताया था, उधर ही शिफ्ट करता है जिस तरफ आपका एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू सरफेस मिलता है, तो नॉर्मल रिएक्शन आपका इस तरफ ही कुछ एक्ट कर रहा होगा। अब देखो अगर किसी ने आपसे ये पूछा, सपोजली इस क्वेश्चन में ये पूछा है, अच्छा कुछ क्वेश्चन के पार्ट्स कर लेते हैं, एक तो आपको H2R निकालना है, दूसरा पार्ट सपोजली आपसे ये पूछा है टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, टॉर्क ऑफ एन कितनी होगी टू कीप इन इक्विलिब्रियम, ये पूछा उन्होंने, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एन कितना है, कहाँ है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एन चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से एक्ट कर रही है। ओके, एक एक करके करते हैं, फिर से देखो नॉर्मल रिएक्शन को मैंने एक आर्बिट्री लोकेशन पे दिखा रखा है, और ये आर्बिट्री लोकेशन का डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ मास से mg cos थीटा वाला जो लाइन है, मतलब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन वाला जो सर्फ लाइन है, इसका डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, ये x r से छोटा होना चाहिए, नहीं? हाँ सर, छोटा होना चाहिए, ठीक है। देखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन से आपको ये पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका mg sin थीटा से मैच करना चाहिए, आपको ये भी पता है कि नॉर्मल रिएक्शन आपका mg cos थीटा से मैच करना चाहिए, ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को कोई लेना देना नहीं है रोटेशनल इक्विलिब्रियम से, ठीक है, ये ट्रांसलेशन अलग हो गया है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करो तो अब आप सोचो कि कहां से आप टॉर्क लिखना पसंद करोगे, कौन से पॉइंट के अबाउट,
सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो एन और एफ एस दोनों ही नोन फोर्सेस है ना, है नहीं है? नोन है राइट, तो दोनों ही तो नोन फोर्सेस है, तो इसलिए आराम से कर सकते हैं. तो टॉर्क अबाउट सी ओ एम ये आपका जीरो होना चाहिए, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, दिस इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो अब सी ओ एम के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन इंटू एक्स दैट शुड बी इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू एच बाई टू. देखो तो सही लिखा है क्या मैंने? यस सर, लिखा है ना. अब यहाँ से चेक करो, n की वैल्यू आपको पता है, दिस इज mg cos theta into x, that should be equal to, fs कितना है आपका? mg sin theta and into h by 2, mg और mg cancel out हो गया, और देखो आपको x की वैल्यू मिल गई है, x is coming out to be tan theta into h by 2, दिखा आपको? हाँ सर, दिख रहा है? तो आपको point of application और force तो मिल चुका है, normal reaction कितना है? अब देखो अगर मैं ये बोलूं कि x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं आप, r ही ले सकते हैं ना, सो देयरफॉर x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू r होना चाहिए, करेक्ट है? यस सर. इसका मतलब x की वैल्यू हमने निकाली है tan थीटा into h by 2, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू r, एंड देयरफॉर जो h by r है दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 cot थीटा. अरे हाँ सर, इसका मतलब हाइट एक सर्टेन हाइट से कम ही होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ सर, वरना हमेशा ही टॉपल कर जाएगा, नहीं तो फिर आपका ये टॉपल कर जाने का कंडीशन रहेगा. इसी वजह से देखोगे तो जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जो गुड्स व्हीकल होते हैं उनको ओवरलोडिंग के लिए यू नो चलान कटता है, आपको पता है? जैसे जो गुड्स व्हीकल होते हैं जो ट्रक वगैरह होते हैं वो अगर ओवरलोडिंग करते हैं तो उनको चलान कटता है. क्यों? क्योंकि अगर ओवरलोडिंग करेंगे तो हाइट बढ़ेगा उसका, और हाइट बढ़ेगा तो उस केस में उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी तो थोड़ा ऊपर शिफ्ट करेगा, करेगा राइट? तो उस केस में सोचो जो उस पे जो फोर्सेस लगेंगे, जैसे वो आगे की तरफ अगर चलेगा, सोचो वो जो आगे की तरफ चल रहा है, तो उस केस में अगर वो आगे की तरफ चलेगा तो जो उसके ऊपर जो एयर ड्रैग लगेगा पीछे की तरफ, उसका इफेक्टिव जो यू नो फोर्स होगा, वो फोर्स की वजह से जब आप टॉर्क निकालोगे तो जितना ऊपर हाइट होगा, वो हाइट ऊपर होने से क्या होगा, उतने ऊंचे की तरफ फोर्स लगेगा आपका, है ना? हाँ सर. तो उसकी वजह से उसके टॉपल करने का कंडीशन क्या होगा, वो ज्यादा होगा. हाइट बड़ा होने से टॉपल करने का कंडीशन आपका ज्यादा आएगा. तुम देखो रेसिंग कार जो होते हैं वो एकदम ग्राउंड में चिपके हुए होते हैं, नहीं ऑलमोस्ट, जो F1 फॉर्मूला वन के कार होते हैं, फॉर्मूला वन के कार से एकदम हाइट उसकी इतनी कम क्यों होती है? क्यों? क्योंकि उसमें टॉपलिंग का कंडीशन ताकि ना आए. अगर हाइट ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, टॉपलिंग का कंडीशन बढ़ता है. आपको समझ आ रही है? हाँ सर. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको कि h by r आपका 2 cot theta से कम आया है. ठीक है, तीसरी चीज उसने ये पूछी थी, एक और चीज क्या पूछा था, टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन भी पूछा था, टू कीप इन इक्विलिब्रियम सेकंड पार्ट के लिए. देखो अब देखो टॉर्क किसके अबाउट निकालना है ये तो नहीं बोला ना उसने, बोला है क्या? नहीं बोला सर. और आपको क्या बताया था, जब नहीं बोलते हैं कि किसके अबाउट टॉर्क निकालना है तो हम क्या मीन करते हैं? सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये जो हमें कह रखा है, ये जो सेकंड पार्ट के लिए कह रखा है, ठीक है, दिस हैज टू बी अबाउट COM, दिस इज अबाउट COM, ठीक है, क्योंकि आपको मेंशन नहीं किया है. तो अब COM पे बैठ के अगर आप देखोगे तो आपको तो ऑलरेडी मैंने दिखा दिया कि नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क है और फ्रिक्शन का टॉर्क है वो इक्वल एंड ऑपोजिट था ना. हां सर. है नहीं, तो डायरेक्टली हम नॉर्मल रिएक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं भी जानते कहां से है तो भी हम बता सकते थे ना कि फ्रिक्शन का टॉर्क इक्वल एंड ऑपोजिट होता, बता सकते थे? और फ्रिक्शन का टॉर्क कितना था, mg sin थीटा into h by 2 था या नहीं था? हां सर. तो बस डायरेक्टली वहां से मिल जाता. ठीक है, तो ये मैंने एक एक करके ऑर्डर थोड़ा अलग रखा है. पहला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए आंसर यहाँ पे आया, नंबर वन यहाँ लिख रहे हैं, ये आपका h by r का रेशियो यहाँ पे आया, सेकेंड टू नहीं, पॉइंट ऑफ एच बाय टू वन था ना, सो उल्टा कर दिया.
ठीक है, आपका तीनों पार्ट का निकल चुका आंसर। एक चीज सोच के देखो, अगर मुझे ये पूछते मैं डायरेक्टली कर सकता था, नहीं सोच के देखो, अगर मैं इस नॉर्मल रिएक्शन को एकदम एज पे लेके आ जाता, सपोजली नॉर्मल रिएक्शन को एकदम एज पे लेके आ जाओ, तो अब क्या बोलोगे आप? अगर नॉर्मल रिएक्शन एज पे आ चुका है तो mg sin थीटा इसको टॉपल कराना चाहता है और mg cos थीटा इसको सरफेस पे रखना चाहता है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है सबको? दिख रहा है? हाँ सर। mg sin थीटा इसको टॉपल कराना चाहता है और mg cos थीटा इसको सरफेस पे रखना चाहता है, तो डायरेक्टली आप वहां से भी कर सकते थे। ये सिर्फ और सिर्फ मैं h by r का रेशियो के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? फॉर h by r एक लाइन में करने का तरीका, ठीक है? जस्ट अबाउट टू टॉपल वाले कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन तो इधर शिफ्ट हो चुका होगा, ठीक है? ये है mg sin थीटा, ये है mg cos थीटा, और यहाँ पे आपका फ्रिक्शन भी ऐड कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? तो अब देखो आप, ये जस्ट अबाउट टॉप, जस्ट एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग है, ठीक है? तो इससे पहले वाला कंडीशन में क्या लिखते हैं? टॉर्क ऑफ mg cos थीटा दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, जस्ट एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग नहीं लिखे, जस्ट बिफोर द वर्ज ऑफ टॉपलिंग करते, जस्ट बिफोर एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, जस्ट बिफोर द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, जस्ट बिफोर द वर्ज ऑफ टॉपलिंग। तो जस्ट टॉपल करने से जस्ट पहले कंडीशन क्या होता है? टॉर्क ऑफ mg cos थीटा टॉर्क ऑफ mg sin थीटा से बड़ा होता, होता ही नहीं होता? हां सर। तो mg cos थीटा का टॉर्क कितना है देखो, तो mg cos थीटा into r एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन कितना होता mg sin थीटा एंड into h by 2, होता ही नहीं? होते नहीं होता? हां सर। और अगर आप देखोगे तो h by r का रेशियो आ रहा है लेस देन ट्वाइस ऑफ cot थीटा, आ रहा है? आ रहा है? हाँ सर। सर हमने यहाँ पे टॉर्क उस n के पॉइंट पे लगा है ना, उस पॉइंट के अबाउट। हाँ हाँ हाँ, ये पॉइंट है, इसको ये कह लेते हैं a के अबाउट निकाला है, ठीक है ना? ओके सर। अब एक चीज सोच के देखो, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो मतलब ये चीजें थोड़ी सी यू नो एम्बिगुअस जैसी होती है, जैसे इनइक्वालिटी देने वाला चीज होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि जस्ट टॉपल करने का कंडीशन लिखो या जस्ट अवॉइड टू टॉपल वाला कंडीशन लिखो, ये दोनों में कॉमन दिखेगा या नहीं दिखेगा आपको, है ना? अगर मैं बोलूं कि जस्ट टॉपल करने वाला कंडीशन, तो भी नॉर्मल रिएक्शन को आप एज पे लेके आओगे, और मैंने बोला जस्ट टॉपल नहीं किया उसका कंडीशन, तो उस केस में भी आप नॉर्मल रिएक्शन को एज पे लेके आओगे या नहीं? लेके आओगे नहीं? तो इस केस में ये इनइक्वालिटी आपका दोनों की तरफ होगा, ठीक है? मतलब मैक्सिमम निकालना हो या मिनिमम निकालना हो, वो दोनों केस में ही आपका क्या होगा, इनइक्वालिटी दोनों तरफ लग रहा होगा, ठीक है? हाँ सर। ठीक है? और एक चीज ध्यान रखना कि जब हम ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिख रहे हैं तो इससे मुझे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को कोई लेने देना नहीं है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एक अलग कंडीशन है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम आपका अलग कंडीशन है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम को अवॉइड करने के लिए एच बाई आर को आपको 2 cot थीटा से कम रखना है। हाँ, अब अगर बोले कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं भी रखना है आपको, टू कीप द ऑब्जेक्ट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्या कंडीशन होता है याद है आपको? ये एंगल को रिपोज एंगल से छोटा होना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। हाँ, नेट फोर्स जीरो, वही तो है ना, mg sin थीटा बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग से कम होना चाहिए, यही तो है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू f लिमिटिंग, और इसे क्या कंडीशन बनता है? ये हो गया mg sin थीटा एंड दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा, क्या कंडीशन आ रहा है देखो यहां पे, क्या कंडीशन आ रहा है? tan थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू,
और क्या ये यही आपका tan थीटा नहीं है क्या? रिपोज एंगल नहीं है ये? हाँ सर हाँ. राइट, तो tan थीटा म्यू से कम होना चाहिए ये स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए. और tan थीटा आपका यहाँ से देखोगे अगर ये h by r 2 cot थीटा से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो यहाँ से भी तो tan थीटा का एक रिलेशन आप निकाल सकते हैं ना. निकाल सकते हैं या निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं. इससे अगर देखोगे तो tan थीटा कितनी आ रही है, tan थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2r by h. आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर. सो इसे क्या कंडीशन बन रहा है, अगर tan थीटा इज लेस देन 2r by h बट tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, इसका मतलब क्या होगा? अगर ये कंडीशन है तो इससे क्या मतलब निकलेगा, इसका मतलब स्लिप कर रहा है बट टॉपल नहीं कर रहा, यही तो मतलब निकला ना, है ना? हो रहा नहीं हो रहा है? हाँ सर. ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन हुआ इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन 2r by h बट tan थीटा इज लेस देन म्यू, तो ये कंडीशन में क्या मीन करेंगे, क्या मीन करेंगे? टॉपल्स बट डज नॉट स्लिप. और अगर अगर tan थीटा ग्रेटर देन 2r by h आ गया एंड tan थीटा ग्रेटर देन म्यू भी आ गया तो इससे क्या कंडीशन निकलेगा, स्लिप्स एज वेल एज टॉपल्स. समझ आई सभी को? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ट्रांसलेशन को रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है और रोटेशन को ट्रांसलेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों इंडिपेंडेंट कंडीशंस होते हैं, दोनों अपने अपने कंडीशंस होते हैं, एक को दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. आई होप आपको ये बातें समझ आ रही है. हाँ सर. यस सर. ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन. एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, ये मान लो एक L लेंथ का L शेप का एक रॉड बना रखा है दो आइडेंटिकल रॉड से, एन L शेप्ड रॉड इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू आइडेंटिकल रॉड्स. Find theta in equilibrium. ये रॉड को वर्टिकली सस्पेंड किया है और यह एंगल थीटा हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम में कितनी आएगी. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट. अब एक चीज लॉजिकली सोच के देखो, इसमें फोर्सेस क्या क्या जनरेट होंगे. एक तो इसका वेट होगा, सॉरी एक इसका नॉर्मल रिएक्शन यहाँ हिंस से होगा, होगा नहीं होगा? हाँ सर. और दूसरा एक इसका खुद का वेट होगा ही नहीं होगा? होगा सर. हाँ सर. नॉर्मल रिएक्शन देखो ऑलरेडी हिंस से पास कर रहा है, तो क्या एम अगर मैं टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन देखूं अबाउट हिंज तो वो जीरो हो गया? यस सर. तो क्या एमजी को भी उसी के थ्रू पास करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? लॉजिकली सोच के देखो, सोचो. क्योंकि अगर mg इस डॉटेड लाइन के में नहीं लाई किया, मतलब इस डॉटेड लाइन के थ्रू नहीं पास किया, तो उस केस में टॉर्क ऑफ mg जीरो नहीं आ सकता है. तो अब एक चीज करके देखें, जैसे इसमें देखो आपको एक रॉड का सेंटर ऑफ मास पता है, दूसरे रॉड का भी सेंटर ऑफ मास पता है,
तो इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास उसके बीचों बीच लाई करेगा नहीं? हाँ सर। हाँ आपको समझ आ रही है, समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, तभी तो इसका वेट जो होगा उसका टॉर्क भी जीरो होगा ना, समझ आ रही है सभी को? Yes, हाँ सर। देखो अब एक बार ये आप रियलाइज कर जाते हो ना, तो अब आपके लिए मेहनत का काम नहीं है, अब आपको इतना कुछ करना ही नहीं है। इस डायग्राम को आप सिंप्लीफाई करके सोचो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ इज कि मेरे पास ऐसा एक रॉड है, सोचो एकदम बिल्कुल सिंपल डायग्राम सोचो, ये एल लेंथ का रॉड है। अब मैं इसका सेंटर ऑफ मास पहले लोकेट कर लेता हूँ, क्या हम इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सकते हैं? ये एक एंड ये बीच में है और ये भी बीच में है, और इन दोनों कनेक्ट किया तो सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच लाई करेगा, करेगा नहीं करेगा? करेगा सर। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको ये दोनों डिस्टेंस आपको पता चल गया, एल बाई फोर, एल बाई फोर पता चला ही नहीं पता चला सर? ये देखो ये एल बाई फोर, ये देखो ये एल बाई फोर है और ये भी एल बाई फोर है। ये रियलाइज कर रहे हैं सभी? सभी रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मासेस आइडेंटिकल ही, ध्यान रखना मतलब ये मास अगर m है तो ये भी m है, तो उन दोनों का तो मिडवे पे ही होगा ना, क्योंकि l by 2 l by 2 के दोनों से। ठीक है, अब ये सोच के देखो, मैं अगर एक एंड से रॉड के किसी भी एक एंड से अगर ये सेंटर ऑफ मास को कनेक्ट करो, तो क्या मुझे, देखो तो क्या मुझे ये वाली एंगल थीटा ही कैलकुलेट करना है क्या? देखो तो डायग्राम में, करना है नहीं करना है? रियलाइज कर रहे हो? तो आपको इस डायग्राम को ऐसे टेढ़ा करके देखने का जरूरत ही नहीं, सीधा करके देखो कि आप टेन थीटा तुरंत निकाल सकते हैं नहीं। देखो तो टेन थीटा कितनी आ गया, टेन थीटा इज कमिंग आउट विल बी एल बाई फोर डिवाइडेड बाई थ्री एल बाई फोर, दिख रही है? हाँ सर। हाँ सर। तो 1/3 हो गई, दैट्स इट, सो टेन थीटा विल बी 1/3, हो गया आंसर। समझ आई सभी को? Yes, sir. Okay. Relation between torque and angular momentum. आपको याद है जब हम L को लिख रहे थे, तो L को हमने define कैसे किया था? Summation of RI cross PI, याद है आपको? R cross P करके किया था ना? हाँ सर। इसी को जब हमने different cases में calculate किया था, तो translation का अलग expression, rotation में I omega and translation plus rotation वाले केस में R cross P भी कर रहे थे और I omega भी कर रहे थे, याद है आपको? Yes sir। हाँ सर। अब इसको एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, ठीक है? सो dl by dt कैलकुलेट कर रहे हैं, dl by dt, तो क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं, दिस इज समेशन ऑफ dri by dt क्रॉस pi एंड प्लस समेशन ऑफ ri क्रॉस dpi by dt, कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? हां सर। हां सर। प्रोडक्ट रूल लगाया सिंपली, ठीक है ना? अब ये बताओ DRI by DT, ये क्या बनेगा? VI बनेगा? हाँ सर। Right, velocity of ith mass और velocity of ith mass और linear momentum of ith mass, क्या ये parallel होंगे दोनों? हाँ सर, parallel है। तो क्या ये जो first expression है, ये जो first expression है, क्या ये zero हो गया नहीं हो गया? Yes sir। Since velocity of ith mass is parallel to linear momentum of ith mass, आपको समझ आई सभी को? समझ आई है? Yes sir। और dpi by dt क्या होगा? Force acting on ith mass। Yes sir। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि डी
एल बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज समेशन ऑफ आर आई क्रॉस एफ आई, लिख सकते हैं इसको? हाँ सर. और आर क्रॉस एफ क्या होता है? और समेशन कर रहे हैं मतलब नेट टॉर्क. हाँ, इसका मतलब इक्वेशन क्या बना आपके पास? सो इक्वेशन क्या बन गया आपके पास? सो देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स जो नेट टॉर्क है दैट विल बी इक्वल टू क्या, ये डीएल बाई डीटी हो जाएगा. ये आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ है इन रोटेशनल मोशन. जैसे वहां पे होता था नेट फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे क्या है नेट टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. समझ आई आपको? हाँ सर. वेक्टर सम ऑफ टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है, और ये आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ है. ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मैकेनिक्स, रोटेशनल मोशन को सिखाना होता है. ठीक है, अब ये सोच के देखो अगर कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन दिखता है जहां पे नेट टॉर्क किसी सिस्टम पे जीरो है, इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप? डीएल बाई डी टी जीरो होगा, होगा नहीं होगा? हाँ सर. और अगर डीएल बाई डी टी जीरो है इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगी. यस सर. यही आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है. जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है कि अगर वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस आपको जीरो दिखता है इसका मतलब कि नेट लीनियर मोमेंटम आपके सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी. वैसे ही अगर मान लो कि आपको कोई भी सिस्टम पे अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क आपको जीरो दिखती है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम आपकी कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, सो यहां से आपको वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा. सो देयरफॉर इफ द वेक्टर सम ऑफ torque of all forces, torque of all forces is zero about any particular point, then the angular momentum of this system will be constant about this point. This is law of conservation of angular momentum. ठीक है, अब जैसे लीनियर इंपल्स इंपल्स मोमेंटम थ्योरी था, याद है आपको, एफ को डीपी बाई डीटी लिखते हैं और अगर एफ से डीटी को मल्टीप्लाई कर दे तो उसे डीपी मिल जाता है. तो अगर इंटीग्रेट कर दे तो उसको क्या मिलते थे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीटी को हम क्या बोलते थे, याद है? इंपल्स, याद है? हाँ सर. और वही क्वांटिटी क्या होता था? चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता था. तो सेम तरीके से अगर यहाँ पे भी कैलकुलेट करें, ऑल्सो अगर यहाँ से कैलकुलेट करें, इफ vector sum of torque is non-zero, if torque net जो नहीं calculate कर रहे हैं ये zero नहीं है, then torque को आप लिखते हैं dl by dt और dt को आप LHS में लेके चले जाओ तो dl की value मिल जाएगी आपको tau dt और इसी को जब आप integrate करोगे तो इससे आपको change in angular momentum मिल जाएगा. So change in angular momentum will be integration of tau dt लिखेंगे and this will be from t1 से t2. This is impulse momentum theory for rotational mechanics या rotational motion. RHS जो है उसको angular impulse कह रहे हैं and the angular impulse is change equal to change in angular momentum. LHS आपको दिख रहा है change in angular momentum और RHS जो दिख रहा है this is angular impulse. इसको J angular से indicate करेंगे. मैं जब भी लिखूंगा इसको J angular लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि linear impulse के लिए सिर्फ J लिखते थे, याद है आपको? याद है? Yes sir. linear impulse को सिर्फ J से लिखते हैं और angular impulse को J के subscript में angular लिख देंगे, ठीक है, same चीज है. Okay. अगर मान लो कि कोई एक rigid object के लिए आप यही चीज को apply करना चाहते हैं, ठीक है,
जैसे अगर रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं है तब तो उसका यू नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज कर सकते हैं. जैसे टॉर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर मान लो कि यू नो आर क्रॉस पी लिख रहे हैं, अब पोजीशन जो है मासेस का चेंज हो रहा है, सोचो पोजीशन मासेस की खुद की चेंज हो रही है. तो मासेस की अगर पोजीशन चेंज हो रही होगी तो उस केस में ऑब्वियसली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोचो चेंज हो रहा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, आपका ओमेगा भी चेंज होगा. अब ओमेगा ऐसा चेंज होगा सच की जो आई मतलब आई और ओमेगा का प्रोडक्ट हो वो क्या रहे, आपका कॉन्स्टेंट रहे. यही आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी कह रहा है. बट अगर इमेजिन करो कि कोई एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, तो रिजिड ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मान लो कि कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स आपको नॉन जीरो दिख रही है, तो उस केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कॉन्स्टेंट है. और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्स्टेंट है तो टॉर्क की वैल्यू को जब आप लिखोगे dl by dt और l को सब्स्टिट्यूट करोगे i ओमेगा, तो i को आप एक कॉन्स्टेंट की तरह बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो एक रिजिड ऑब्जेक्ट है. तो i अगर बाहर निकल गया तो d ओमेगा by dt क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा. तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, tau equal to i alpha हो जाएगा. तो वो आपका f equal to omega equivalent हो जाएगा. ठीक है, तो ये अब मैं लिख लेता हूँ अब आपके लिए. सो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर अ रिजिड ऑब्जेक्ट. Object, the moment of inertia will be a constant quantity about a certain axis, even if it is rotating. Okay. So therefore, अगर टॉर्क की वैल्यू को हम लिख रहे थे डी एल बाई डी टी, ठीक है, तो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर लिखोगे तो डी एल बाई डी टी भी आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लेना पड़ेगा. और अब टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम ऐसे लिख रहे हैं, दिस इज डी बाई डी टी ऑफ एल को लिख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इन टू ओमेगा लिख रहे हैं. एंड अब आप नेक्स्ट स्टेप इसको ऐसे लिख सकते हो, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इन टू डी ओमेगा बाई डी टी. And d omega by dt क्या बनेगा आपका, अल्फा बन जाएगा. इसका मतलब टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आपने निकाला तो इसको क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा हो जाएगा. समझ आई आपको? हां सर. यस सर. हां सर. ये इक्विवेलेंट हो गया किसका, f इक्वल टू ma का. आपको समझ आ रहा है ना? हां सर समझ आ गया. दिस इज इक्विवेलेंट टू f इक्वल टू ma, इक्विवेलेंट टू f नेट equal to mass into acceleration of center of mass. I hope आपको समझ आ रही है सारी बातें. Yes sir. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस point के about आप torque लिखोगे, moment of inertia भी आपको उसी point के about लेना है. ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप accelerated point को अपने point of observation की तरह choose कर रहे हैं तो pseudo force भी लेना है, और वो pseudo force का pseudo torque भी आपको लेना है. I hope आपको समझ आई है सारी बातें. Yes sir.